आशुतोष जी आपका कैमरा थोड़ा नीचे हो जाए, योर फेस इज नॉट विजिबल आशुतोष जी जी सर, फेस इज नॉट विजिबल। हाँ और थोड़ा और थोड़ा वह और मोबाइल गिर जाएगा, मोबाइल गिर जाएगा। चलिए आज की ये परिचर्चा डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ के द्वारा आयोजित है और इस परिचर्चा में अन्य भी कुछ संस्थाएं सम्मिलित हैं और उनके साथ मिलकर के आज की ये चर्चा, महत्वपूर्ण चर्चा जो है उस पर हम आज उसके कुछ आयामों को टटोलने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संस्कृत शास्त्र या भारतीय परंपरा इस तरह के विषय में अपना कुछ योगदान दे सकती है, कुछ दिशा निर्देश दे सकती है या कोई इसमें व्यापक जो है वो दृष्टि इसमें विकसित करने में सहायता कर सकती है। और जैसा कि आप सीधा विषय की ओर अग्रसर होते हैं और आज का जो विषय है वो मैं आप लोगों के साथ तीन भागों में साझा करूंगा। पहला तो बिल्कुल एक तरह से प्रोफेशनल इसको तरीके से इसको आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हम उसको पढ़ा सकें और कैसे पढ़ाएं इन सब बातों को भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पे। दूसरा भाग जो है वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा पर आश्रित है लेकिन वो थोड़ा सा लूज रहेगा, उसमें इनोवेशन किस तरह से हम कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को कौन कौन से टूल्स को कैसे यूज करना है वो एक दूसरे तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुति दूंगा। और तीसरी प्रस्तुति जो रहेगी प्रेजेंटेशन वो गीता पर आधारित रहेगी कि मीडिया लिटरेसी को गीता से क्या सीखना अपेक्षित है और कैसे सीखना चाहिए और उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए। और कल जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था उस वीडियो को ध्यान में रखिएगा जहाँ पर मिस्टर एन राम और जो हिंदू ग्रुप के चेयरमैन हैं और दूसरी तरफ जो डॉक्टर देवदत्त पटनायक हैं, बड़े पॉपुलर वेल नोन ऑथर हैं और माइथोलॉजिस्ट हैं, और तो उन दोनों के जो कन्वर्सेशन थी उसमें किस तरह से वो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ बल्कि यूं कहना चाहिए क्रिकेट की शब्दावली में कि किस तरह से बॉलिंग और बैटिंग हो रही थी, कि मिस्टर राम किस तरह से कभी बाउंसर फेंक रहे थे और कभी जो है वो इन स्विंग और फास्ट बॉलिंग और गुगली कर रहे थे, लेकिन जो दूसरी तरफ पटनायक हैं वो बड़े सहज रूप से उस सारी बॉल्स को टच कर रहे हैं, वो उसको पुश नहीं कर रहे, कहीं पर भी वो उसके साथ फोर्स नहीं लगा रहे और उसमें वो बाउंड्रीज को जो है वो उसको ले रहे हैं। तो उस सारे को ध्यान में रखिए, उस सारे डायलॉग को ध्यान में रखिए और तो आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। उदाहरण के तौर पे मैंने बीच में इसीलिए उदाहरण नहीं डाले क्योंकि अगर मैं उसमें चला जाऊंगा तो फिर ये बात बहुत लंबी हो जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि ये लगभग आधे घंटे में आप लोगों के साथ मैं ये सारी की सारी बातचीत पूरी कर सकूं। इसलिए आप लोग स्क्रीन के साथ चिपके रहें और बात सुनते रहें और कोशिश करें कि जितना आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए क्योंकि मैं सारी की सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकता और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, तो इसलिए केवल मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उनको हम टच करते चलेंगे ताकि एक ओवरऑल आइडिया जो है उसको आप लोग समझ सकें। तो हमारा जो विषय है वो है कि मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी व्हाट इज डिजायरेबल फॉर इट टू लर्न फ्रॉम संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज। और इसमें ये जो आगे आपने देखा कि विद रेफरेंस टू मॉडल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन न्याय मीमांसा, ये केवल मैंने इसलिए विषय को लंबा कर दिया ताकि जब आप ज्वाइन करें इस चर्चा को तो आपको ये अंदाजा हो कि हम कहां कहां से कौन कौन से टूल्स को लेंगे और उनको हम कैसे यूज करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम What media and information literacy needs to learn from Sanskrit Shastri knowledge, तो हम सात पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे शुरू में कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस इसका स्वरूप क्या है और इसको हमने कैसे यूज करना है। और सेकेंड पार्ट जो संस्कृत शास्त्र से हम सीखेंगे कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसको हमने कैसे लेना होता है क्योंकि कोई भी मैसेज है, कोई भी न्यूज़ है, उसका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी,
किस बेसिस पे होगी, फिर उसमें क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन आप किसी मैसेज की कैसे करेंगे, फिर उस मैसेज के अंदर रहने वाला जो लॉजिक और रीजनिंग है उसको आप कैसे फॉलोअप करेंगे, कैसे उसको डिकोड करेंगे, उसके अतिरिक्त हर मैसेज का एक एथिकल और वैल्यू बेस्ड एक अप्रोच होती है, उसको भी आप कैसे फॉलोअप करेंगे, कैसे डिकोड करेंगे। इसके अतिरिक्त मैसेजेस जो हैं ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के जो माध्यम हैं उनमें कौन कौन से गुण और दोष होते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद जो है कि किसी भी मैसेज को समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होगी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ये बेसिक्स है संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत का कोई भी शास्त्र अन्य शास्त्रों को समझे बगैर आप नहीं डिकोड कर सकते, तो इसलिए ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। तो ये कुल मिलाकर के 7 पक्ष हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भाई इस मीडिया लिटरेसी में आपको कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए जिनके ऊपर हम बात करेंगे और कैसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मीडिया लिटरेसी, जब आप संस्कृत शास्त्र के आधार पर पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपको वाक्यार्थ बोध होना चाहिए। क्या मतलब है वाक्यार्थ बोध? ये संस्कृत के शब्द हैं और इनका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन अभी हम यहाँ उनमें नहीं जा रहे, केवल आपको मैं बता रहा हूँ क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो वाक्यार्थ बोध होता है। और ये कहाँ से लिया है, किस शास्त्र से है? ये साहित्य शास्त्र में ये बेसिक चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाती हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है? जब आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, जैसे कि संस्कृत का कोई वाक्य होता है तो उसका संदर्भ और उसका जो उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है उसको आपने कैसे समझना है, तो कैसे आप जानते हैं? कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट, स्पीकर्स इंटेंशन और वर्ड मीनिंग, ये 3 चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद आप न्याय, ये न्याय जस्टिस के अर्थ में नहीं होता, ये न्याय लॉजिकल रीजनिंग एंड आर्गुमेंट के लिए शब्द यूज होता है, जिसका मतलब है इवेलुएट इंफॉर्मेशन यूजिंग 5 स्टेप्स ऑफ न्याय मेथड। वो क्या होते हैं? स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के बाद उसमें रीजनिंग को देखा जाता है, फिर उसको एग्जाम्पल से चेक किया जाता है, फिर उसकी एप्लीकेशन चेक की जाती है और फिर उसका कंक्लूजन हम निकालते हैं। और ये मैं भी आपको बताऊंगा कि टीचर को इस सारे विषय को कैसे पढ़ाना चाहिए और स्टूडेंट्स को जब हम इस असाइनमेंट दें तो वो कैसे देनी चाहिए और स्टूडेंट्स किस तरह से इस असाइनमेंट को दें को करें और फिर उसके बाद उन स्टूडेंट्स का एवेल्युएशन टीचर को करना चाहिए। उसके बाद जो 3rd स्टेप है वो है प्रमाण, सोर्स एवेल्युएशन। उसके लिए हमें क्या करना होता है? जो 4 प्रमाण हैं, मीन्स ऑफ नॉलेज हैं, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, एनालॉजी और टेस्टिमनी, जिसे शब्द प्रमाण कहते हैं, इसके आधार पर किसी भी मैसेज को आपने चेक करना है। उसके बाद उस मैसेज में जो अभिधा लक्षणा, ये 2 शब्द शक्तियाँ होती हैं कि शब्द के ये 2 पक्ष होते हैं जिसमें इस तरह के उनमें शक्तियाँ मानी जाती हैं, यानी कि क्या है आपकी भाषा में इसको कहेंगे क्लियर एक्सप्रेशन एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन क्लियरली, अवॉइडिंग एम्बिग्विटी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको हम लेटर पीरियड में लेंगे भी 2nd पार्ट में, कि एम्बिग्विटी को हैंडल कैसे करना है किसी भी मैसेज की। लाइक संस्कृतिस्ट एम्फेसाइज ऑन प्रिसाइज वर्ड मीनिंग्स, इसलिए संस्कृत में एम्बिग्विटी आपको कभी नहीं मिलेगी जिस तरह की एम्बिग्विटी आपको बाकी लैंग्वेजेस में देखने को मिलती है। तो मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ तो इसलिए साथ साथ चलते चलिए। संबंध, आइडेंटिफाई कनेक्शंस बिटवीन इंफॉर्मेशन आइडियाज एंड द कॉन्टेक्स्ट, लाइक अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन संस्कृत सेंटेंस। तो जैसे कि हमारा एक पूरा शास्त्र इस विषय के ऊपर है जिसे कारक कहते हैं, कि शब्दों का आपस का रिलेशनशिप क्या है, एक सेंटेंस बनने में हर शब्द का अपना दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है उसको कैसे डिकोड करना है। देन इट इज फॉलोड बाय व्याकरण, यानी कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स, लाइक संस्कृत ग्रामर्स फोकस ऑन वर्ड स्ट्रक्चर, कि कोई भी शब्द बनता कैसे है। फिर उसके बाद मीमांसा, नेक्स्ट स्टेप क्रिटिकल इंक्वायरी। मीमांसा का मतलब क्या है? क्रिटिकल इंक्वायरी यानी कि अप्रोच इंफॉर्मेशन विद क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, लाइक मीमांसास एम्फेसिस ऑन इंक्वायरी एंड डिबेट। मीमांसा की ये बड़ी 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप अर्थ कैसे निकालेंगे, किन आधार पर अर्थ निकालेंगे। उसके बाद 8th स्टेप में आप ध्वनि की ओर चलते हैं। ध्वनि यहाँ पे साउंड नहीं है, ध्वनि का मतलब होता है इम्प्लीकेशन। ये पूरा एक
स्कूल है ध्वनि का. इम्प्लीकेशन एंड इन्फ्रेंस, आइडेंटिफाई इम्प्लाइड मीनिंग्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड इन्फ्रेंसेस लाइक अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लाइड मीनिंग इन संस्कृत पोइट्री. कि जब आप कविताएं सुनते हैं उनमें जो एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है वो ध्वनि कहलाता है. उसके बाद उसमें रस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है किसी भी मैसेज को डिकोड करने के लिए, जिसे आप कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी. कंसिडर द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्टिवेट एम्पैथी लाइक अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल एसेंस इन संस्कृत ड्रामा. क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो आप बिल्कुल एक ड्राई मीडिया लिटरेट हो जाएंगे, बिल्कुल ओवर इंटेलेक्चुअलाइज हो जाएंगे, जो कि अपने आप में एक खतरा है. और लास्ट, जिसे आप मीडिया लिटरेसी कहते हैं, उसके लिए हमें शब्द प्रयोग करना चाहिए, शब्द बोध. यानी कि टू डेसिफर द इंफॉर्मेशन लाइक डेसिफरिंग संस्कृत वर्ड्स कंसिडरिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग. कि एक शब्द में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, कम से कम तीन तो होती ही हैं, कि किसी भी शब्द के तीन स्तर होते हैं, तीन उसके अर्थ के स्तर होते हैं, जिसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. अभी डिटेल में नहीं हम जा रहे, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा. और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग तंग भी हो सकते हैं, लेकिन समय की सीमा को हमें ध्यान रखना है. चलिए, अब इस विषय को टीचर्स कैसे हैंडल करें, कैसे पढ़ाएं, और हमें क्या पढ़ाना चाहिए टीचर्स को, टीचर होने के नाते. तो क्योंकि मीडिया लिटरेसी में हमें क्या पढ़ाना होता है, सबसे पहली बात होती है फैक्ट चेकिंग. कि कोई भी मैसेज है तो उसका फैक्ट चेकिंग कैसे होगी, न्याय स्कॉलर की तरह आपको व्यवहार करना है. अब जब आपने न्याय थोड़ा सा देखा होगा, समझा होगा, तो यू विल बिहेव लाइक ए न्यायिक स्कॉलर. व्हाट ही डज, इवेल्युएट इंफॉर्मेशन यूजिंग 5 steps न्याय मेथड. तो वो क्या करता है, 5 जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करता है. न्याय में ये सिखाया जाता है कि फैक्ट चेक कैसे होगा. सबसे पहले स्टेटमेंट होगी, जिसे हम प्रतिज्ञा कहते हैं अपनी भाषा में. और उसको क्या करना है, उस प्रतिज्ञा को आइडेंटिफाई द क्लेम, कि जो उसमें कहा जा रहा है उसको देखना होगा कि भी कौन उसको कह रहा है. फिर उसके बाद रीजनिंग, जिसे हेतु कहते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि हम अपनी भाषा तो प्रयोग नहीं करते, सारी अंग्रेजी से काम चलाते हैं. तो दूसरा है स्टेप उसमें हेतु, जिसमें होता है एनालाइज द एविडेंस. तीसरा है एग्जाम्पल, यानी कि उद्धरण, कंपेयर विद द सिमिलर केसेस. फोर्थ है एप्लीकेशन, उपनय, यानी कि उसकी एप्लीकेशन आपको देखनी है कि कहाँ और आप उसको लागू करके देख सकते हैं, यानी कि रिलेट टू द कॉन्टेक्स्ट. और पांचवा है कंक्लूजन, जिसे निगमन कहते हैं, यानी कि ड्रॉ ए लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ अ स्टेटमेंट और अ मैसेज. सेकेंड पार्ट इसका जो है, जो टीचर्स को पहले तो ये खुद पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें समझाना होगा स्टूडेंट्स को कि इस तरह से आपने एक एक मैसेज को जो है वो डिकोड करना है. उसके बाद है सोर्स एवेल्युएशन यूजिंग प्रमाण. प्रमाणों को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, वो क्या मतलब है उसका. असेस इंफॉर्मेशन सोर्सेस लाइक ए संस्कृतिस्ट, संस्कृत एपिस्टेमोलॉजिस्ट, जो ज्ञान मीमांसा करने वाले लोग हैं. तो उसमें क्या है, प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस अनुमान जिसकी हम बात कर आए हैं, लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजी उपमान होता है, यानी कि कंपैरिजन विद द नोन एग्जांपल्स, और टेस्टिमनी, क्रेडिबल सोर्स और एक्सपर्ट ओपिनियन. ये हमें ध्यान रखना होगा, ये टीचर को जानने की जरूरत है. और टीचर फिर इसको कम्युनिकेट करेगा कि किस तरह से वो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करेगा. और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे क्रिटिकल थिंकिंग लाइक मीमांसा स्कॉलर. इस बात को जानना और समझना और भी बहुत जरूरी हो जाता है. इसका मतलब क्या है कि अप्रोच इंफॉर्मेशन विद क्वेश्चनिंग एटीट्यूड. और वो कैसे होगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसमें, आइडेंटिफाई द पर्पस, अर्थ एंड स्कोप, कि उसका व्यास क्या है और अर्थ कैसे आपने उसमें से निकालना है. ये किसी भी मैसेज में आपको देखना होगा, ये मीमांसा आपको सिखाएगा. सेकेंड पार्ट उसका होगा एनालाइज द स्ट्रक्चर, यानी कि उसका व्याकरण क्या है और उसका रिलेशनशिप. और ये रिलेशनशिप जो है, ये 9 तरह का रिलेशनशिप होता है, लेकिन जनरली हम 6 तक रुकते हैं और 6 में आपका काम चल जाएगा. शब्द और अर्थ के जो संबंध है वो 6 तरह के होते हैं उनके संबंध. उसके बाद जो थर्ड लेवल पे है, इवेल्युएट द आर्गुमेंट स्ट्रेंथ, उसका बल क्या है और उसके दोष क्या है, वीकनेस भी आपको देखनी है और दिखानी है. तो किसी भी मैसेज में क्या चीजें उसका बल है और क्या उसमें दोष है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है. फोर्थ पार्ट पे इमोशनल इंटेलिजेंस लाइक रस स्कॉलर,
यानी कि अंडरस्टैंड द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये क्या प्रभाव डालने जा रहा है, जैसे कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, मूवीज होती हैं, तो इसमें जो है सबसे पहले आपको ये देखना है आइडेंटिफाई द डोमिनेंट इमोशन कन्वेड, कि मैसेज कौन सी इमोशन को जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। रिकॉग्नाइज हाउ इमोशन इन्फ्लुएंस परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। आप देखते हैं अखबारों में जैसे कि आता है कि बवाल काट दिया, इस तरह की भाषा का जब प्रयोग करते हैं, आज इतनी हत्याएं कर दी गई और ये वो, इस तरह की भाषा आप सभी जानते हैं, मैं उसमें उदाहरणों में नहीं जा रहा। थर्ड लेवल पे है कल्टिवेट एम्पैथी एंड कंसिडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। तो ये सारी चीजें जानने के बाद आप फिफ्थ स्टेप पर आते हैं, जो फिफ्थ पार्ट आप अपने सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे वो है मीडिया लिटरेसी लाइक ए शब्द बोध स्कॉलर, कि जो शब्द बोध का जो स्कॉलर है उसकी तरह, यानी कि क्या करेंगे, डेसिफर इंफॉर्मेशन लाइक डेसिफरिंग संस्कृत वर्ड्स, कि शब्दों को हम कैसे खोलते हैं, वो टेक्निक क्या है, उस सारे को आप देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको एक पार्ट है आइडेंटिफाई द लिटरल मीनिंग, वाच्यार्थ प्राइमरी मीनिंग जिसे आप कहते हैं, एंड सेकेंडली इम्प्लाइड मीनिंग जिसे आप लक्ष्य कहते हैं, देन फॉलोड बाय एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट, प्रकरण उसका क्या है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज, कि एक रिलेशनशिप का दूसरे से क्या ताल्लुक है, एंड देन फॉलोड बाय द थर्ड स्टेप इवेल्युएट द क्रेडिबिलिटी एंड पोटेंशियल बायसेस ऑफ द सोर्स। तो ये आपको मीडिया लिटरेसी जो आप संस्कृत शास्त्र बेस पढ़ाएंगे वो शब्द बोध से आप ये समझेंगे। और लास्ट स्टेप इसमें जो है, जो टीचर को पता होना चाहिए, वो है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन लाइक वैशेषिक स्कॉलर। तो वैशेषिक दर्शन ये अपने आप में जो बहुत मूल्यवान दर्शन है, फिलॉसफी का स्कूल है, उसमें क्या करते हैं, कैटेगराइज एंड क्लासिफाई द इंफॉर्मेशन यूजिंग वैशेषिक सिस्टम लाइक सब्सटेंस। सबसे पहले उसको कंटेंट को देखेंगे, फिर उसकी क्वालिटीज को देखेंगे, उसमें एक्शन क्या है, रिकमेंडेशन, एक्शन की रिकमेंडेशन क्या है, जनरलिटी एंड पर्टिकुलरिटी, इन सब इश्यूज को देखेंगे किसी भी मैसेज को डिकोड करने के लिए। तो कुल मिलाकर के एक टीचर को ये 6 पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो कि सब डिवाइडेड हैं फर्दर पॉइंट्स में, किसी भी मैसेज को डिकोड करने के लिए, ऑडियो है या वीडियो है या वो लिखित में है। अब ये है कि इसी बात को जब आपने पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करना है, तो आप उनको एक असाइनमेंट देंगे कि भाई ये एक मैसेज है, आप अखबार में से लीजिए, वीडियो में से लीजिए, जहां से मर्जी लीजिए, सोशल मीडिया से लीजिए, और उसके बाद उनको आप दे देंगे कि भाई अब इसको आप फॉलोइंग पॉइंट्स पे इवेल्युएट करके लाएं और उसको आप फिर नंबर देंगे, मार्क्स देंगे। तो जैसे कि यहाँ मैंने आपके सामने ये रखा है कि एक न्यूज आइटम हमने फॉर एग्जाम्पल ये ले ली है कि ए सोशल मीडिया जायंट XYZ अनाउंसेस अ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी स्पार्किंग कंसर्न्स अमंग यूजर्स। ये एक मैसेज है। अब जो स्टूडेंट को आपने काम देना है, चाहे एक सिंगल करे, ग्रुप में करे, दो लोगों का ग्रुप हो, तीन का ग्रुप आप बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो सबसे पहले स्टूडेंट को उसमें लिखना क्या है, उस मैसेज को डिकोड करने के लिए, वाक्यार्थ बोध यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये लिखना होगा कि क्या लिखना होगा कि न्यू प्राइवेसी पॉलिसी एंड यूजर्स कंसर्न क्या क्या है उसमें। सेकेंड स्टेप में वो लिखेगा एनालाइज द स्टेटमेंट, यानी कि क्या लिखेगा कि जो उसने न्यूज पढ़ी है, व्हाट स्पेसिफिक चेंजेस आर बीइंग मेड, व्हाट आर द पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस, तो इसका वो उत्तर देगा। ये केवल मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं कि इस तरह से असाइनमेंट को किया जाना चाहिए कि स्टूडेंट इस तरह से करेंगे तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी और वो समझ पाएंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं और भविष्य जो है वो बड़ा स्पष्ट वो देख पाएंगे कि उनका रोल क्या रहेगा। और फिर तीसरे लेवल पे वो स्टूडेंट ये लिख कर लाएगा आपके पास, कंसिडर द स्पीकर्स इंटेंशन, कि भाई उस कंपनी ने जो जो स्टेटमेंट दी है उसकी इंटेंशन पीछे क्या है, एंड देन फॉलोड बाय न्याय, लॉजिकल रीजनिंग एंड आर्गुमेंट्स। इसमें भी आप देख सकते हैं कि देर आर सो मेनी पॉइंट्स कि स्टेटमेंट जो कि मैं पहले गिनाया हूँ, रीजन आप चेक करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसका जो एप्लीकेशन है उपनय उसको देखेंगे, और फिर आप कंक्लूड करेंगे कि भाई ये सचमुच इसका निष्कर्ष है कि इसकी इंटेंशंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है और सचमुच ये कहना क्या चाहता है, ये सारा आएगा। एंड देन फॉलोड बाय सोर्स इवेल्युएशन। अपने तीसरे लेवल पे जब वो असाइनमेंट को पूरा करेगा किसी भी
मैसेज के इंटरप्रिटेशन करते हुए प्रमाण के आधार पे करेगा, और उसमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स आपको देने हैं कि स्टूडेंट ये लिखेगा कि उसकी परसेप्शन क्या है, प्रत्यक्ष रूप में वो क्या देख पा रहा है, क्या समझ रहा है उस पॉलिसीज के या डॉक्यूमेंट को के प्रत्यक्ष रूप में उसका आधार, उसका प्रभाव क्या है या उसमें अर्थ क्या आ रहा है। फिर उसमें इन्फ्रेंस को वो यूज करेगा, उसके आधार पे वो लिखेगा कि जैसे कि वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, कंसिडर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो ये इन्फ्रेंस वो यूज करते हुए अपने निष्कर्ष निकालेगा, और इसी तरह से ये बाकी सारे हैं। और फिर उसके बाद मीमांसा को क्रिटिकल इंक्वायरी के आधार पे वो अपने जो लास्ट का पोर्शन है अपनी असाइनमेंट का वो कंप्लीट करेगा। वो क्या लिखेगा उसमें, क्या चीजें इंक्लूड करेगा, आइडेंटिफाई द पर्पस, अर्थ क्या है इस सारे के सारे लिखने का, यानी कि व्हाई द एक्स वाई जेड इंप्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी। सेकेंड पार्ट विल बी द एनालाइज द स्ट्रक्चर, यानी कि व्याकरण के आधार पर वो स्ट्रक्चर को एनालाइज करेगा, हाउ डज द पॉलिसी रिलेट टू एक्स वाई जेड बिजनेस मॉडल, एंड थर्ड इवेल्युएट द आर्गुमेंट्स स्ट्रेंथ, उसके बल क्या है, उसके दोष क्या है, यानी कि उस पॉलिसी के पोटेंशियल बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो इस तरह से जब हम अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देंगे और इस आधार पे उसको ये फॉर्मेट देंगे कि भाई इस तरह से तुम लिख करके लाओ, तो मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत सुंदर मटेरियल इकट्ठा हो सकता है, डाटा भी इकट्ठा हो जाएगा, और हम इसके आधार पर फर्दर डेवलपमेंट्स की बात कर सकते हैं, रिसर्च वर्क हो सकता है। और एक जो बहुत ब्रीफली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन इसको डिटेल में मैं बाद में टेकअप करूंगा, वो क्या है कि भगवद गीता के आधार पर आप इस सारे पोर्शन को कैसे समझेंगे, डिटेल में लास्ट में लूंगा। कि सबसे पहले गीता आपको सिखाती है विवेक, यानी कि जो मीडिया कर्मी है, जो मीडिया का काम करता है और जो उसका कंज्यूमर है, जो रीडर है, वो उन दोनों को विवेक की सबसे बड़ी जरूरत है। फिर उनको ये डिस्टिंक्शन करना आना चाहिए कि ज्ञान और अज्ञान में फर्क कहाँ है, और फिर उसमें एक डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी, जिसे वैराग्य कहा है गीता में, वो उसको पता होनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन कि भाई मैं देख क्या रहा हूँ, क्या इनपुट है, मैं एक एज ए रीडर और एज ए कंज्यूमर मैं अपने आप में इनपुट क्या डाल रहा हूँ। और सेल्फ रिफ्लेक्शन मीडिया कर्मी के लिए है कि वो कैमरा कहाँ फोकस कर रहा है और क्या बोल रहा है और किस तरह से बोल रहा है। उसके बाद जो है सीकिंग गाइडेंस, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा, यानी कि आप अपने टीचर से कैसे देखें, कैसे समझें कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए युक्तियुक्त है, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है। उसमें फिर आप इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे भाव कहते हैं, वो आपको जानना और समझना जरूरी है, गीता उसके ऊपर बहुत बल देती है। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रसंग, जिसे आप कहते हैं कि क्या प्रसंग है इस सारी मूवी देखने का, मीडिया की इन मैसेजेस को देखने का, ये सारी बातें आप देखते हैं। लेकिन इस सारी बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लास्ट में जाकर के मैं इसके ऊपर बहुत आपके साथ चर्चा करूंगा। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ माय लेक्चर। सेकंड पार्ट में क्या है कि आप ये तो आप सभी मीडिया लिटरेसी के लोग जानते ही हैं, मास कम्युनिकेशन के, मुझे इसमें नहीं जाना कि किस तरह से एसेस, एनालाइज, एवेल्युएट और क्रिएट मीडिया का पर्पस होता है। लेकिन मैं इस सारे को आपके सामने इस चार पांच श्लोकों में सारी की सारी बात रखना चाहता हूं, बड़े संक्षेप में। देखिए, मीडिया कहाँ से शुरुआत होती है, मीडिया की जरूरत कहाँ पड़ी और मीडिया ने क्या क्योस क्रिएट कर दिया इस सोसाइटी में। हमारे पास ये एक श्लोक है, लौकी का नाम ही साधुरा। मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मोस्टली शायद आप में से लोग संस्कृत को नहीं जानते होंगे। यानी कि जो पहले ऋषि थे, उन लोगों के, ऋषियों के जो वो कहते थे वो हो जाता था, वो घटता था, यानी कि जो शब्द वो कह दिए अर्थ उसका अनुसरण करता था। लेकिन लेटर पीरियड में क्या हुआ है कि लोगों में जिस तरह से ही सेंसिबिलिटी का जो है क्वालिटी और क्वांटिटी कम होने लगी, तो क्या हुआ कि वो अर्थ के पीछे पीछे चलने लगे। अर्थ घटित हो जाता है तो शब्द लेकर के हम चलते हैं कि अब इस अर्थ को, इस सिचुएशन को हम अपने शब्दों से, अपनी भाषा से पकड़ें, और वो कभी भी पूरा नहीं, कंप्लीटली अपनी पकड़ में नहीं आता। आपका कैमरा देखिए तो वो 40 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री तक आप कैमरे को ले जाएंगे, लेकिन वो 360 डिग्री आपको घटना की जानकारी नहीं दे सकता। और इसी तरह जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं उस भाषा में आप पूरी सिचुएशन को स्पष्ट नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप जोर लगा लें। क्यों? क्योंकि आप अर्थ के पीछे पीछे चल रहे हैं कि हाँ वहां घटना हुई, चलो वहां जाकर के मैं रिपोर्टिंग करता हूं। और जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो वो कभी भी कंप्लीट और जेन्युइन नहीं हो पाती, चाहे कितना ही आप अपने को सर्टिफाई कर दें, वो हमेशा एक उसमें एक न्यूनता बनी रहेगी और उससे जो है वो समाज में आगे चल करके प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आज हमें मीडिया लिटरेसी की जरूरत पड़ रही है कि उसके बारे में लिटरेट हों कि भाई वो मीडिया जो मैसेज जनरेट कर रहा है किस इंटेंशन से कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस एंगल से कर रहा है, आदि आदि। अब इसमें जो भी मीडिया लिटरेट पर्सन होगा वो उसकी बड़ी बोल्ड डेक्लरेशन होगी। क्या डेक्लरेशन होगी? कि यदस्ति नास्ति इति एष संशयः परस्य वाक्ये न ममात्र निश्चयः। क्या कहना चाहता है कि जो मीडिया लिटरेट पर्सन होगा संस्कृत के आधार पे, वो कहेगा कि क्या यथार्थ है ये, आप हिंदी देख लीजिए नीचे, मैं बड़ा ब्रीफली आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या यथार्थ है और क्या अयथार्थ है। इस विषय में जो भी संदेह होगा उसमें दूसरे के वाक्य मेरे लिए प्रमाण नहीं होंगे, वो मेरे लिए अथॉरिटी नहीं होंगे, मैं अपने तपस्या से, अपने ज्ञान से, अपने संयम से यथार्थ का निश्चय करके उसे ग्रहण करूंगा। ये बोल्ड डेक्लरेशन मुझे लगता है मीडिया लिटरेसी की होनी चाहिए कि भाई जो मीडिया कंज्यूमर है, जो श्रोता है, जो रीडर है, वो बड़े स्पष्ट शब्दों में किसी भी मीडिया कर्मी को ये कहे कि मैं खुद इसको वैल्यूएट करके इस सारी बात को जानूंगा। तो बुद्ध चरितम का ये श्लोक है, आप देखिए कि भाई कब वो प्रथम शताब्दी ईस्वी का है और तब ये कितनी बोल्ड डेक्लरेशन वो कर सकते थे, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बोल्ड डेक्लरेशन देने वाला है, हम पढ़ाना भी नहीं चाहते। अब उसके बाद जो मीडिया कर्मी है या मीडिया का जो टीचर है उससे भी हम उम्मीद करते हैं, संस्कृत का शास्त्र उससे भी उम्मीद करता है कि जिस दिन वो पहली बार क्लास में जाए तो वो जाके पहले स्टूडेंट्स को ये कहे कि तापात छेदात निक्षात सुवर्ण में पंडिता परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मदवचन अतु गौरव। भाई क्लास में जाके कहे कि मेरे गौरव की, मैं टीचर हूँ इसलिए मेरे गौरव की वजह से मेरी बात को सत्य मत स्वीकार करना कि भाई मैंने बोल दिया और तुमने मान लिया। नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम मेरी बात का क्या करना कि तपाना, उसको छेदन करना, उसको काटना, बार बार उसको कस के देखना कि भाई ये लॉजिकली ठीक है कि नहीं, और फिर उसको घिसा के देखना और फिर उसके बाद तुम उसको ग्रहण करना। कैसे? जैसे सोने को तपाया जाता है, उसको छेदन काटा जाता है और उसको पत्थर पे घिसा के उसकी जो है शुद्धता देखी जाती है। तो कम से कम मीडिया लिटरेसी का जो भी कोई अध्यापक हो वो सबसे पहले दिन क्लास में ये अनाउंस करे कि भाई मेरी किसी बात को आपने ऐसे ही स्वीकार नहीं करना, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये तीन चीजें उस टीचर को सिखानी चाहिए अपनी क्लास को। अब जो लास्ट बात है जिसके लिए मीडिया लिटरेसी का जो टीचर है और जो मीडिया लिटरेट रिसीवर है, कंज्यूमर है, उसको भी ये बोल्ड डिक्लेरेशन दोनों को एक करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? कि स्वागमम राग मात्रेण द्वेष मात्रात परागमम न श्रेयाम त्यजामो किंतु मध्यस्थया दृशाय। यानी कि क्या है कि ये मेरे पक्ष का है इसलिए मेरे ये मैं इसको ठीक मानूंगा, और ये शत्रु पक्ष का है, विपरीत पक्ष का है, इसलिए इसको मैं गलत साबित करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने परिश्रम से, मध्यस्थ दृष्टि से, बैलेंस्ड अप्रोच से मैं उस मैसेज को देखूंगा, समझूंगा और ग्रहण करूंगा। तो ये दोनों की दोनों बातें मीडिया लिटरेसी का जो मीडिया कर्मी है और मीडिया का जो टीचर है और जो स्टूडेंट है, उन दोनों को ये इस बात के ऊपर एग्री करना चाहिए। अब इस सारी बात को मैं आगे जब लेके चलूंगा तो वो सारी की सारी बातें किस पर आधारित रहेंगी, वो शास्त्र, युक्ति और अनुभव कि नॉलेज सिस्टम। शास्त्र का मतलब नॉलेज सिस्टम है, आपको ये मत समझेगा कि ये कोई धार्मिक पुस्तकें होती हैं, नॉलेज सिस्टम है। उसमें रीजनिंग क्या रहेगी और अनुभव क्या रहेगा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसके आधार पे हम बात करेंगे। ये सारी बातें आप जानते हैं इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा कि भी मीडिया, ऑल मीडियाज आर कंस्ट्रक्शन, मीडिया कंस्ट्रक्ट रियलिटी, ETC, इनको मैं नहीं ले रहा, लेकिन संस्कृत के लोग इसमें अगर कोई जुड़े होंगे तो वो जरूर देख सकते हैं।
और ये भी आप जानते हैं कि आप अपने तरीके से जो वेस्ट का मॉडल है उसमें मैसेज सैचुरेशन और उसमें जो ट्रैप्स होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी है, और मीडिया लिटरेसी आप इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हम सूचनाओं के प्रति एक स्वस्थ संदेह उत्पन्न भाव कर सकें, स्वस्थ संदेह रख सकें कि डाउट करना हम सीखें कि भाई इस जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितनी जेन्युइन है कितनी जेन्युइन नहीं है। अब जो हमें एज ए टीचर, अगर मैं एक टीचर होऊंगा मीडिया लिटरेसी का तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले जैसे कि मैं बताया पहला वो बोल्ड डिक्लेरेशन देने के बाद मैं दूसरी बात अपनी क्लास को हफ्ते भर के लिए ये चार चीजें सिखाऊंगा, उनको प्रश्न करना सिखाऊंगा। भाई डाउट करना है कह तो मैं देता हूं लेकिन डाउट करना कैसे है वो कौन सिखाएगा और कैसे किया जाता है, उसकी शब्दावली क्या होती है, उसकी कैटेगरीज क्या होती हैं, तो ये आपको संस्कृत शास्त्र सिखाता है। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है प्रश्न की, संदेह के लिए जब आप प्रश्न करेंगे वो उसको कहते हैं एकांश व्याकरणीय। अब एकांश व्याकरणीय प्रश्न क्या होते हैं, जहां पर आप उत्तर केवल यस और नो में देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप प्रश्न देख रहे हैं, डज द टर्म भारतीय मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग मेक एनी सेंस, यू विल से आइदर यस और नो। तो ये पहली कैटेगरी है जो कि मुझे लगता है कि हमें स्टूडेंट्स को दिखानी चाहिए, समझानी चाहिए और उसको उनको इस विषय में ट्रेन करना चाहिए। सेकंड कैटेगरी है प्रतिपृच्छा व्याकरणीय, इसका सबसे ज्यादा यूज जो मीडिया की डिबेट्स होती हैं उनमें ये यूज होती है और कोर्ट्स में इनको यूज किया, लॉयर्स यूज करते हैं। तो सेकंड कैटेगरी प्रतिपृच्छा व्याकरणीय का मतलब होता है कि काउंटर क्वेश्चन करके आप दूसरे को उत्तर देते हैं, जैसे कि इस संस्कृत शास्त्र कॉम्पिटेंट एनफ टू प्रपोज ए मॉडल ऑफ MIL एंड द काउंटर क्वेश्चन विल बी और काउंटर आंसर विल बी, हैव यू एवर स्टडीड एनी संस्कृत शास्त्र और एक्सप्लोर्ड इट फॉर मॉडल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और MIL। तो ऐसे व्यक्ति को मैं ऐसे उत्तर दूंगा, और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप राम की और देवदत्त की वो जो वीडियो है उसको ध्यान में रखें। तीसरा एक कैटेगरी है स्थापनीय प्रश्न। स्थापनीय प्रश्न होते हैं कि ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चंस जिनको आप उत्तर देने की जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको किनारे पे रख देना, हाशिए पे कर देना है। डज संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज मेक एनी सेंस, तो आप ऐसे मूर्ख के उत्तर देने की आपको आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसका उत्तर देके आपको अपनी मूर्खता सिद्ध नहीं करनी है। लेकिन जो चौथी कैटेगरी है जिसके ऊपर हर मीडिया लिटरेट को फोकस करना चाहिए, उसको कहते हैं विभज्य व्याकरणीय प्रश्न। विभज्य व्याकरणीय प्रश्न क्या होते हैं, जिन ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आपको बड़ा डिटेल एनालिसिस करके देना पड़ता है, लॉजिकली एनालिटिकली आपको उसका उत्तर देना पड़ता है, जैसे व्हाट इज द वर्किंग मॉडल ऑफ संस्कृत शास्त्रीय मॉडल ऑफ MIL। अब इसका एक पंक्ति में उत्तर नहीं हो सकता, आपको इसकी सब कैटेगरीज बनानी होंगी, आपको डेफिनेशंस देनी होंगी, ये डिटेल्ड होते हैं। तो हर पत्रकार को या मीडिया कर्मी को ये चार प्रश्न करने आने चाहिए और हर मीडिया का जो छात्र है उसको इसमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो एक हफ्ता तो वो इसी सारे विषय के ऊपर मुझे लगता है हमें लगाना चाहिए। अब आगे चलिए कि होता क्या है, भाई प्रश्न तो हम कर लें उतने ही हैं जैसे हम राह चलते भी सवाल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि प्रश्न करने की योग्यता हमारी कैसी है और हमारे प्रश्नों का स्तर क्या होगा, या अगर हम मीडिया लिटरेट हो भी जाते हैं तो हमारी लिमिटेशंस क्या होंगी, तो वो संस्कृत शास्त्र आपको बताता है। सबसे पहली तो आपकी लिमिटेशंस आप वाई एक्सिस पे देखिए, जो ब्लैक में आप देख रहे हैं वो क्या है कि हर आदमी की लिमिटेशन ऑफ पावर है, लिमिटेशन ऑफ क्रिएटिविटी है, लिमिटेशन ऑफ अटैचमेंट है, लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस है, और लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी होती है कि हर एक की जो है वो कला विद्या राग नीति इसको कहते हैं, शब्दावली ये है। ये स्क्रीन में शेयर कर दूंगा डॉक्टर साहब, ये पावर पॉइंट आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोगों के लिए ही है। तो ये सारी की सारी जो लिमिटेशंस है इसको सबसे पहले हर मीडिया कर्मी को, हर मीडिया लिटरेट को जानना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली हर मीडिया लिटरेट को, चाहे वो मीडिया कर्मी है चाहे वो रीडर है, उसको ये भी जानना जरूरी है कि मेरी जो ज्ञान है उसमें डिस्टॉर्शंस आती हैं, मेरे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, क्योंकि हम में से कोई भी इनसे मुक्त नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि नहीं मैं तो बड़ा ऑब्जेक्टिवली करता हूं, तो वो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। अब केवल बात इतने भी समाप्त नहीं होती, तो आप एक्स एक्सिस पे देखिए, दोबारा नीचे देखिए, यहाँ एक वाक्य लिखा है एवं मैं श्रुतम,
ज्यादातर हम हिंदुस्तानियों की आदत क्या है कि जो सुनी सुनाई बात है उस पर विश्वास करते हैं, लिखा क्या है उसको तो बाद में देखते हैं, लेकिन सुनी सुनाई बात पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन आप जब सुनते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव होता है, एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिस पर आप सुनते हैं कि यार मैंने जो बात सुनी उसका एक, आप उसको एक खास तरह का मीनिंग देते हैं। तो एवं मैं श्रुतम, तो आपका सारा का सारा ज्ञान जो टीचर से आ रहा है या मीडिया से आ रहा है, किसी से भी आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर एंगल से आता है। और एवं मैं अदृष्टम या दूसरी तरह का ज्ञान जो आपके पास आता है वो क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल से आप देखते हैं, ठीक है ना। एक ही वस्तु को हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से देखता है, तो इसलिए आपका जो टोटल ज्ञान बनता है वो एक बायस्ड और लिमिटेड नॉलेज वाला बनता है, एक खास एंगल से आपका ज्ञान बनता है, जिसे कहते हैं एवं मया ज्ञातम, दिस इज हाउ आई हैव कम टू नो अबाउट द थिंग्स। आप एक पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं, आप स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं, अपने कोलीग्स को पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, आप उनको होलसम में नहीं जानते। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, अब क्योंकि हर मीडिया लिटरेट, मीडिया कर्मी और मीडिया यूजर जो है वो थ्री डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनल में क्या है कि ही इज अ डूअर आल्सो, ही इज अ कंज्यूमर आल्सो, भोक्ता जिसे आप कहते हैं, और ही इज अ नोअर आल्सो। अब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लेवल को और आपके कंफ्यूजन को, आपकी स्पष्टता को निर्धारित करता है, वो क्वालिटी निर्धारित करेगी। हो सकता है यू आर ए गुड डूअर, तो आपका डूअर का पक्ष ज्यादा बेहतर हो सकता है जब आप गीता की ओर जाएंगे। हो सकता है आप भोक्ता के रूप में ज्यादा अच्छे हो, उनको कंज्यूम इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने में आप बड़े अच्छे हो, या आप उन उस कंज्यूम की हुई मैसेजेस को जानने वाले आप ज्यादा अच्छे, क्रिटिकल थिंकर आप ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो ये थ्री डायमेंशनल जो एस्पेक्ट है इसके बारे में पता होना और जानना और इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा और स्पीड अप करते हैं। अब आप एक शब्द देखिए यहाँ पे सबसे नीचे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे इस सारे विषय को देखते हैं, वो है समाचार, न्यूज आप कहते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, और अब आप लोगों ने नया अर्थ भी उसका अंग्रेजी में शायद कर दिया है कि जो नई चीजें, जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आप न्यूज कहने लग गए हैं। लेकिन जब आप अपनी परंपरा की ओर देखते हैं तो यहाँ पे आप इसके दो शब्दों को दो भागों में विभाजित देखते हैं। एक है सम, सम आ चर, सम का यहाँ पर जो जो हलंत वाला है जिसके नीचे जो है मैंने म के नीचे वो लगाया हुआ है चिन्ह, उसका मतलब है कि एप्रोप्रिएट, सम्यक, और इस सम्य का प्रयोग, सम्यकता का प्रयोग बुद्ध ने बहुत किया है और उसका हम आगे चल के चर्चा भी करेंगे। तो क्या कहने का मतलब है कि जो एप्रोप्रिएटली, आ का मतलब होता है चारों ओर से, चर चल के आ रही हैं न्यूज या सूचनाएं, वो सारी की सारी जो है वो समाचार कहलाती है, इसलिए वो समाचार कहा जाता है क्योंकि वो गतिशील है, वो जड़ तथ्य नहीं होते। और दूसरी तरफ आप जब इसके और नीचे देखते हैं, सम प्लस सम में म पूरा है, सम का मतलब क्या है, बैलेंस्ड, कि जो आधार जिसका बराबर है, और चारों ओर से जो सम रूप से बराबर एप्रोप्रिएटली, यानी कि यहां पर भी आप ये अर्थ कर सकते हैं, जो समान रूप से चारों ओर से चल के आपके तक पहुंच रही हैं वो समाचार होती हैं। तो समाचार शब्द को आप इस रूप में लीजिए, तो जब आप समाचार इस अर्थ में लेंगे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी अपने आप फिक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें सम्यकता का ध्यान रखना है, और उसके आ का मतलब सारे आयामों का भी आपने ध्यान रखना है, तो ये ना हो कि आप एक बायस्ड जो है उसकी व्याख्या कर दें। समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो मुझे आप क्षमा करें, क्योंकि समय लग रहा है, मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी इस सारे विषय को आपके लिए स्पष्ट कर दूं। अब ये समाचार जो कि सूचनाओं पर आधारित होता है, तो उसको जब आप देखते हैं तो हर समाचार, हर सूचना की 6 स्टेजेस होती हैं। वो स्टेजेस क्या होती हैं? जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, यानी कि वो सूचना पैदा होती है और नष्ट होने तक इन स्टेजेस को वो पार करती है। कौन कौन सी? कि वो सूचना, वो घटना कभी घटती है, उसके बाद वो रहती है, उसमें चेंजेस आती हैं, फिर वो एक्सपेंशन होती है, फिर वो धीरे धीरे पब्लिक मेमोरी से फेड होती है, एंड लास्टली इट डाइज डाउन। तो ये हर सूचना, हर समाचार जो है वो इस तरह से
निकलता है। इस दृष्टि से उसमें परिवर्तन आते हैं और इन स्टेजेस से वो गुजरता है। अब इसमें ये थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो सकती है बात, लेकिन मैं ब्रीफली अभी रख देता हूं, फिर उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि हर सूचना में, हर मैसेज में चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं संस्कृत की दृष्टि में। सबसे पहले, जब भी किसी घटना की आप रिपोर्टिंग करेंगे उसमें नाम बहुत जरूरी है। फिर उसमें घटना में जो एक्शंस हैं, आख्यात जिसे कहा जाता है, वो बहुत जरूरी होते हैं। ये दो चीजें जो है घटना किसी भी मैसेज को डिफाइन करती हैं, मतलब उसका कोर इशू होती है। फिर उसमें कुछ चीजें होती हैं जो स्टेबल फैक्टर्स होते हैं, जो सारी घटनाओं में, दुनिया भर की घटनाओं में बराबर रहती हैं, यानी कि टाइम और स्पेस उसमें एक ऐसे एलिमेंट हैं जो हमेशा विद्यमान रहेंगे। नाम और आख्यात के अतिरिक्त ये तो आपको निपात जिसे हम कहते हैं, तो टाइम और स्पेस का जो फैक्टर है वो सब जगह एक जैसा रहता है। फिर उसमें उपसर्ग होता है कि जहां पर आप अपनी ओर से एडिशन करने लगते हैं कि ये तो फैक्चुअल हो गया और ये आपके रिपोर्टिंग में चीजें आपकी झलकेंगी जब आप किसी मैसेज को लिख के भेजेंगे। आपकी भाषा, आपकी शैली, आपका स्टाइल, आपका देखने का नजरिया, तो किसी भी समाचार का विश्लेषण करने के लिए, मैसेज का विश्लेषण करने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब एक आखिरी बात करके आगे चलते हैं कि ये जो आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, तो पहले वाई एक्सिस पे आप ये देख लें कि एक शब्द लिखा हुआ है अन्वेता विधान। इसका मतलब होता है, ये मीमांसा का शब्द है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो जो मीडिया कर्मी है वो पहले अपने में उस सारी सूचना को कोड करता है और कोड करके अभिधान करता है, कहता है। अभिधान का मतलब होता है कहना और अन्वित का मतलब होता है कि उसको कोडेड करना। तो हर मीडिया कर्मी वो या पत्रकार पहले अपने भीतर उस सारे सूचना को, सारे प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा करता है, फिर उनको सिस्टमेटिकली बनाता है और फिर वो जो है समाज को प्रेषित करता है। तब दूसरी ओर जो दूसरा शब्द है एक्स एक्सिस पे, वो है अभितान्वय। उसका मतलब है कि किस तरह से जो लिसनर है, कंज्यूमर है, वो कहे हुए को डिकोड करता है और फिर उसको उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके उसके मीनिंग को ग्रहण करता है। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं समझनी कि दोनों का प्रोसेस अपनी अपनी तरह का है। जो कोडेड कर रहा है, मैसेज आप तक पहुंचा रहा है, उसका प्रोसेस कुछ और है, और जो आप डिकोड करने जा रहे हैं उस मैसेज को, आपका प्रोसेस कुछ और होगा। ये यहां पर आप देख रहे हैं। अब जब आपने मैसेज कोडिंग और डिकोडिंग की बात को समझ लिया है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस भाषा में आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके कोडिंग जो इंफॉर्मेशन है उसका अर्थ क्या है और कैसे उसमें कोडिंग होती है। फिर उस कोडिंग में हाउ मच, वेयर एंड हाउ, किस तरह से कोडिंग की गई है, कितनी की गई है। जैसे कि सूत्र शैली है हमारे, कि एक सूत्र में इतना सारा मीनिंग जो है वो हम भर देते हैं, इस तरह का ये कोडिंग होती है। और फिर उसके बाद आपको जो सीखने वाली बात है, मैसेज इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स और मॉडल्स पता होने चाहिए कि किसी भी सूचना को कैसे आप जानेंगे और समझेंगे, और इस सारे मसले को आप कैसे, किन चीजों पे लागू करेंगे। जो आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन आती है, डिस इन्फॉर्मेशन, पार्शियल इन्फॉर्मेशन, मोटिवेटेड इन्फॉर्मेशन और एक्सेस इन्फॉर्मेशन जो आती है, उन सबको आप क्रिटिकली व्यू करेंगे। अब ये सारी वो बातें हैं मीमांसा के आधार पे, लेकिन मैं इसको केवल आपको जो इसमें से बताने वाली बात है वो केवल आपको ये बता देता हूँ कि मीमांसा के आधार पे जब आप मैसेज डिकोडिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको उपक्रम पता होना चाहिए, यानी कि इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन पता आपको होनी चाहिए कि कैसे करनी है और उसमें क्या क्या है। वो मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आप, मैं ये शेयर कर दूंगा तो आप इसको देख पाएंगे। Understanding the context and the purpose of information and recognizing the author's intent and perspective. तो किसी भी मैसेज के लेकर के आपको सबसे पहले उपक्रम को फॉलो करना है। Then उपसंहार, यानी कि कंक्लूजन और समरी उसमें क्या दी हुई है, तो उसमें आप क्या देखेंगे, identifying the main ideas and key takeaways plus synthesizing information to form a coherent understanding. तो ये उपक्रम और उपसंहार, इन दो शब्दों को, इन दो कॉन्सेप्ट को जानेंगे। देन फॉलोड बाय अभ्यास, यानी कि एनालिसिस और प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्रिटिकली इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस।
साथ में क्या करेंगे, अप्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, ये अभ्यास का मतलब है। फिर उसके बाद आपको फोर्थ लेवल पे अपवाद की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपवाद आपको समझ में आए यानी कि एक्सेप्शन या काउंटर एग्जाम्पल। उसमें क्या करेंगे आप, रिकॉग्नाइजिंग एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस टू द इंफॉर्मेशन एंड आल्सो कंसिडरिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स, देन फॉलोड बाय अर्थापत्ति। ये सारी टेक्निकल शब्दावली है जो आपको अपने सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस करनी है और फिर उसका आपको प्रशिक्षण देना है, जिसका मतलब है इम्प्लीकेशन और इन्फ्रेंस एक तरह से। उसमें आप क्या करेंगे, ड्राइंग लॉजिकल कंक्लूजन्स एंड फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड सेकेंडली मेकिंग इंफॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद आप संबंधों पे आते हैं, रिलेशनशिप या कनेक्शन जिसे आप कहते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स कि जो भी आपने मैसेज पढ़ा है, और फिर रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड कनेक्शंस इन इंफॉर्मेशन। पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है किसी भी मैसेज में, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मैसेज लिखा जाता है उसकी भाषा का एक पैटर्न होता है, उसको ध्यान जानना और समझना बहुत जरूरी है। एंड एट द सेवंथ स्टेप यू विल अंडरस्टैंड विरोध, यानी कि कंट्राडिक्शन, अंतर विरोध क्या है, पैराडॉक्सेस क्या है। उसमें आप क्या करेंगे, रिकॉग्नाइजिंग कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस इन इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एम्बिगुटीज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। और लास्ट में जो लास्ट स्टेप है, निर्णय, डिसीजन या रेजोल्यूशन, मेकिंग इंफॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन एविडेंस एंड एनालिसिस फॉलोड बाय रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन लिटरेसी चैलेंजेस। तो ये आप मीमांसा को ऐसे फॉलोअप करेंगे, ये उसी का एक और रूप है, लेकिन इसमें मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये उसके एक ब्रीफ समरी है कि इस तरह से आप उपक्रम उपसंहार को यूज करेंगे और ऐसे आप इससे लाभ ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है एम्बिगुटी की, जब हमने बात की थी तो आपको एम्बिगुटी में क्योंकि हमारी भाषा में एम्बिगुटी रहती रहती है, यानी कि अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं, अस्पष्टार्थता जो जिसे हम कहते हैं वो हमेशा रहती है, जिसकी वजह से हमें बार बार कहना पड़ता है कि हम कहना ये चाहते थे, स्पष्टीकरण देते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझे, मैं तो कुछ और कहना चाहता था, मेरा मतलब कुछ और था। तो उस एम्बिगुटी को चेक करने के लिए आपको न्याय का स्कूल फॉलो करना है, और ये उसके 16 जो हैं ये तत्व हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। मैं अभी इसमें नहीं जा रहा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, तो मैं अगले क्योंकि 5-7 मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। तो प्रमाण से लेकर के वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज से लेकर के सेकंड पार्ट पे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैलिड नॉलेज कौन से होंगे, कि जानना किसको है, से लेकर के पॉइंट्स ऑफ डिफीट जो कि डिबेट्स में होता है, वहां तक आप इस सारी चीज को समझेंगे। एंड फॉलोड बाय जैन न्याय, जैन्स स्यादवाद कॉन्सेप्ट, वो क्या है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ, कि कोई भी मैसेज है उस मैसेज के 7 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिसे आप प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। साइंसेस में प्रोबेबिलिटी यस और नो ही होती है कि भाई या तो होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटीज को अगर आप देखें तो क्या कहेंगे, एवरी स्टेटमेंट और एवरी मैसेज मे बी ट्रू, बट एट द सेम टाइम एवरी स्टेटमेंट मे नॉट बी ट्रू, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एवरी स्टेटमेंट मे बी और मे नॉट बी ट्रू, and sometimes a statement may be indescribable, sometimes a statement or message may be true but indescribable, sometimes a statement may be false but indescribable, sometimes a statement may be true and false as well as indescribable, जिसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, स्यात् अस्ति नास्ति च अवक्तव्यम्, हो सकता है कि वो सही भी हो ना भी हो, लेकिन हो सकता है indescribable भी हो। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात है जिसे आप सबको जानना और समझना। अब ये जो बात है इस थर्ड पोर्शन की, उसको हमें जानना चाहिए कि कोई भी जो मीडिया कर्मी है और जो मीडिया का कंज्यूमर है, उसको ये बुद्धिज्म से सीखना चाहिए कि उसके देखने में, क्योंकि मीडिया का काम देखने का है कि जैसे देखे फिर आप वैसी रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, कोशिश होती है, लेकिन भाषा तदनुकूल नहीं होती क्योंकि भाषा पे हमारा अधिकार नहीं होता।
उसका भी टेस्ट आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूंगा। तो आपकी दृष्टि, आपको देखना आना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एवं मैं अदृष्टम, कि मैंने देखा कैसे, कि कितने एंगल से मैंने देखा, फिर उसमें सम्यकता, सम्यकता का आप यहाँ पे मोटा अर्थ बस ये समझ लीजिए, अप्रोप्रिएटनेस, कि आपकी रिपोर्टिंग, आपका मैसेज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसमें एक कंसर्न होना चाहिए, एक जेन्युइननेस होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होनी चाहिए। तो वो सम्यक संकल्प, आपकी सम्यक वाणी, लैंग्वेज जो है जो बोले, आपका एक्शन सम्यक होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, आपकी जीविका जो आपका काम करने का तरीका है वो भी सम्यक हो। ये नहीं कि ऐसे कंपटीशन में पड़ जाएं तो दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए आप खबरें झूठी सच्ची बनानी शुरू करते हैं, जैसा कि आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। और एफर्ट्स भी आपकी अप्रोप्रिएट सम्यक होनी चाहिए, आपकी मेमोरी सम्यक हो, और आपकी सबसे बड़ी बात है नॉलेज अप्रोप्रिएट हो। ये नहीं कि भाई मैंने जान लिया, मुझे ये सूचनाएं मुझे मिल गई हैं, तो मैं अब इसको जैसे मर्जी यूज कर लूं, क्योंकि आपका जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया लिटरेट पर्सन की, वो क्या है कि समाज और व्यक्ति के अखंड व्यक्तित्व के खोज का प्रश्न है मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी का बहुत बड़ा दायित्व है। जो लोग ये समझते हैं कि हम तो केवल जो है वो सूचना देने का हमारा काम है, प्रश्न पूछने का काम है, नो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि समाज और व्यक्ति का व्यक्तित्व अखंड रहे, इस समाज का व्यक्तित्व भी अखंड रहे, उसमें विकृति ना आए, और व्यक्ति का भी जो व्यक्तित्व है वो अखंड रहे। और इसको आप कैसे करेंगे कि संवेदना, संस्कार और अधिकार, तो ये कुल मिलाकर के आप इस सारे विषय को देख सकते हैं। अब एक बहुत जल्दी से आई विल जस्ट रन थ्रू दिस विद इन 5 मिनट्स, क्योंकि मैंने सोचा था कि बहुत कम समय में मैं सारी बात रख पाऊंगा, लेकिन समय लग गया। कि अब आप गीता से क्या सीख सकते हैं, भगवत गीता से आप क्या मीडिया लिटरेसी जो है उसमें क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मीडिया लिटरेसी के को ध्यान में रखते हुए गीता के दो कंसर्न्स हैं। एक तो है सेंसिबल ह्यूमन बींग। हाँ, उससे भी पहले ये बात ध्यान दीजिए कि गीता जो है वो किसी भी मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी का धर्म और कर्म का शास्त्र है। कैसे है वो आप नीचे देखिए, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको धर्म का अर्थ क्या है किसी भी मीडिया लिटरेसी के लिए, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अधर्म क्या है, अनडिजायरेबल इंफॉर्मेशन। कर्म क्या है, क्रिटिकली इवेल्युएट एंड क्रिएट, ये आपका कर्म है। स्थित प्रज्ञ जो उसकी टेक्निकल टर्म है, उसका मतलब क्या है, सेंसिबल मीडिया लिटरेट्स। पांचवा जो योग का मतलब है, व्हाट हैज नॉट बीन अचीव्ड, कि मीडिया लिटरेसी वो हेल्प करता है जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। फिर ज्ञान क्या है, टू नो व्हाट इज डिजायरेबल और व्हाट इज नॉट डिजायरेबल। एंड यज्ञ का कॉन्सेप्ट क्या है कि सोशल पार्टिसिपेशन, मीडिया लिटरेसी के लिए ये बहुत बड़ी जरूरत है, यज्ञ करे कि सोशल पार्टिसिपेशन उसमें हो। मीडिया लिटरेसी का संबंध वेद से है, टू राइट टू नो, क्योंकि वेद जो है वो क्रिया शब्द है, संज्ञा शब्द के रूप में मत लीजिए उसको, वेद को क्रिया रूप में जब लेंगे तो इसका मतलब क्या है, ड्यूटी बाउंड टू नो। फिर उसमें एक कॉन्सेप्ट और है, लोक संग्रह, जिसका मतलब है ब्रिंगिंग टुगेदर सेंसिबल मीडिया लिटरेट्स टू ब्रिंग इन सोशल सोसाइटल वेलबींग। तो ये लोक संग्रह है, कुल मिलाकर के आपको ये गीता से सीखना और समझना होगा। लेकिन मैं इसमें नहीं जा रहा, ये अभी पक्ष छोड़ रहा हूँ कि गीता के आधार पे मीडिया लिटरेसी से हम क्या सवाल पूछेंगे। लेकिन ये बात आप थोड़ा सा एक और देख लीजिए कि वे जो गीता है वो आचार शास्त्र, कोड ऑफ कंडक्ट भी बताएगी, वो विचार शास्त्र भी है, थिंकिंग सिस्टम उसका है, और वो व्यवहार शास्त्र भी है कि किस आदमी को, किसी भी मीडिया कर्मी को कैसे व्यवहार करना है। और ये आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि भगवत गीता की शब्दावली ये है, मीडिया लिटरेसी की ये है। लेकिन जब आप गीता पढ़ करके मीडिया लिटरेसी की प्रैक्टिस करेंगे, तब आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि समाज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, समाज का संस्कार करेंगे, समाज में आप डायरेक्टेड चेंजेस लाएंगे लेकिन समाज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यदि आप गीता नहीं पढ़ते और मीडिया लिटरेसी की प्रैक्टिस करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, तो आप कैसे व्यक्ति होंगे, ये आप इसके दूसरे और दूसरे के 42वें श्लोक से लेकर 44 श्लोक तक पढ़ सकते हैं। यानी कि आप फ्लावरी लैंग्वेज यूज करेंगे, लोगों को भरमाएंगे, बिना आधार के बातें करेंगे, और इस तरह से मिसलीड करेंगे सारी सोसाइटी को, जो कि बड़ी हानिकारक है। ये इसका एक सार मैं बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत श्लोक हैं,
जरूर आप पढ़ लीजिएगा, 42वें से लेकर के 44 श्लोक जो हैं ये जरूर पढ़िए दूसरे अध्याय के। अब चार प्रकार के मीडिया लिटरेसी के लोग होते हैं, ये मैं कई बार बात कर चुका हूँ। वो कौन से हैं कि या तो मीडिया लिटरेसी कौन पढ़ेगा, या तो आर्थ जो पीड़ित व्यक्ति है कि भाई मुझे तकलीफ है इसलिए मुझे मीडिया लिटरेसी जानी है कि भाई सूचनाओं से मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मेरा बीपी बढ़ जाता है। दूसरे होते हैं जिन्होंने पैसा कमाना है वो मीडिया लिटरेसी पढ़ेंगे। लेकिन तीसरे लोग वो हैं जो जिज्ञासु, जो इंक्वायरर हैं, जो सीकर्स हैं, वो गीता के अनुसार मीडिया लिटरेसी को पढ़ने वाले वो लोग होते हैं। और चौथे जो तरह के लोग होते हैं वो ज्ञानी लोग होते हैं जो मीडिया लिटरेसी को जानते हैं लेकिन दूसरे लोगों से वो चर्चा करते हैं ताकि वो विषय का विस्तार कर सकें। और ऐसे जो मीडिया लिटरेसी वाले लोग हैं, दो तरह के जिनसे हमारा संबंध है यहाँ पे, उनके लिए गीता की ओर से एक ही उपदेश है। वो क्या है, पहले श्लोक में ही उपदेश दिया हुआ है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म करूं, कि प्रत्येक क्षेत्र में धर्म करना है। तो मीडिया लिटरेसी वाला व्यक्ति, मीडिया कर्मी है या कंज्यूमर है, उसके लिए यही एक निर्देश है कि वो हर क्षेत्र में, वो दुनिया का पॉलिटिकल का क्षेत्र हो, साइंस का हो, स्पोर्ट्स का हो, जो भी रिपोर्टिंग करनी है उसमें वो धर्म को फॉलो करे। ये एक बात करके मैं, मुझे लगता है मैं अपनी बात को पूर्ण विराम दे देता हूँ। ये एक आप इक्वेशन देख सकते हैं, देखिए पुरानी भाषा है लेकिन उस पुरानी भाषा के पीछे जो अर्थ हैं उन अर्थों को आप जरूर समझ लीजिए कि जो मीडिया लिटरेसी, उसके दो पंख हैं, एक है लोक संग्रह और दूसरा है स्थित प्रज्ञ। और इसके बीच में जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इक्वेशन लिखते हैं वो क्या है, वेद व्यास प्लस गणेश मल्टीप्लाइड बाय संवाद ब्रैकेटेड धृतराष्ट्र इज इक्वल टू संजय डिवाइडेड बाय कृष्ण मल्टीप्लाइड बाय अर्जुन इज इक्वल टू श्री भूति एंड मंगल। बहुत अजीब लगने वाली शब्दावली है, बहुत अजीब सी ये आप इक्वेशन समझ सकते हैं। लेकिन मीडिया लिटरेसी जो है वो अल्टीमेटली कहाँ ले जानी चाहिए आपको, मंगल कल्याण के लिए, समाज कल्याण, मंगल कल्याण के लिए अग्रसर करनी चाहिए, गीता ऐसा आपको कहती है। तो ये सारे को डिकोड कैसे करेंगे, आप कैसे अपनी भाषा में समझेंगे, यानी कि वेद व्यास स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज। क्यों कह रहा हूं मैं ये, कोई हवा में बात नहीं मैं कह रहा, क्योंकि 2664 जो पात्र हैं महाभारत के, उनको कैसे व्यवस्थित किया है, आप समझ सकते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु अगर कोई हैं तो वो वेद व्यास हैं। कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कहीं कोई कंट्राडिक्शंस नहीं है। गणेश स्टैंड्स फॉर ब्रिंगिंग इट टू अ विजुअल रिटन फॉर्म, क्योंकि वेद व्यास ने गणेश को लिखवाया था तो वो सबसे पहले व्यक्ति हैं जो कि मीडिया को रिटन फॉर्म में लाए थे। और कैसे लाए थे, कि नॉलेज एज इट इज, उसमें कहीं कोई ये नहीं था, मिक्सचर नहीं था, गणेश ने कोई मिक्सचर नहीं किया था। संवाद क्या है, कम्युनिकेशन आप जानते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र स्टैंड्स फॉर ए ब्लाइंड नॉन क्वालिफाइड सिटीजन क्वेरी। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि यार क्या हुआ वहां, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे कि आम आदमी पूछता ही है, उसको लेना देना कुछ ज्यादा नहीं होता लेकिन एक एंग्जाइटी में जरूर रहने की वो कोशिश करता है। तो ब्लाइंड मैन क्या है, वो नॉन क्वालिफाइड सिटीजन है जिसने की मीडिया लिटरेसी नहीं सीखी। संजय क्या है, संजय स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन पासर मीडियम, केवल वो ऑब्जेक्टिवली जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बट कृष्णा स्टैंड्स फॉर लीडिंग द एक्शन विद नॉलेज, मीडिया कर्मी का ये काम है। एंड अर्जुन स्टैंड्स फॉर सीकर, कि जानने की जिसमें इच्छा है वो ही व्यक्ति तो अग्रसर होगा। और श्री भूति विजय जिसे आप कहते हैं स्टैंड्स फॉर वेलबींग, और इसमें जो स्थित प्रज्ञ शब्द प्रयोग किया है स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड सेंसिबल सिटीजन हु दोज हु आर मीडिया लिटरेट पीपल। एंड लोक संग्रह स्टैंड्स फॉर कॉन्शियस मीडिया लिटरेट्स, जो सोसाइटी ऑफ मीडिया लिटरेसी के लोग हैं। और ये भाग दो अंतिम एक आध स्लाइड है। देखिए मीडिया लिटरेसी से हम क्या चाहते हैं, एक तो जो प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करें, क्षेम का मतलब होता है, ठीक है, क्षेम का मतलब है प्राप्त से संरक्षण, जो आपने ले लिया है उसकी तो आप रक्षा करें। तो डेमोक्रेसी अगर आपने ले ली है तो उसकी रक्षा करने में मीडिया का योगदान है। और योग क्या है, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना,
योग का मतलब वो एक्सरसाइज करना नहीं है, योग का मतलब है जो अप्राप्त से प्राप्णम, कि जो प्राप्त नहीं है वो उसका मीडिया का धर्म है, और मीडिया का कर्म क्या है, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। और इसमें आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, आप अपनी थ्री डायमेंशनल अपनी पर्सनैलिटी से क्या करेंगे, आप समाज में ये जो कंडीशनिंग है इसको डीकंडीशन करेंगे। तो बेसिकली मीडिया लिटरेसी का जो पर्पस है वो इमोशनल कंडीशनिंग को डीकंडीशन करता है, लैंग्वेज कंडीशनिंग की डीकंडीशनिंग करता है, नॉलेज कंडीशनिंग की डीकंडीशनिंग करता है, और एक्शन कंडीशनिंग को भी डीकंडीशन करने का प्रोसेस करता है। ऐसी मेरी समझ है, ऐसा मैं इसको जानता हूँ, मेरा मानने का कोई अर्थ नहीं है, केवल जानने का अर्थ है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे का सारा अगर आप गीता पर आधारित मीडिया लिटरेसी को जानेंगे समझेंगे तो आप डी कंडीशनिंग कर पाएंगे और हमारा समाज स्वस्थ हो पाएगा। तो लास्ट स्लाइड पे हम खत्म करते हैं बात आज की। द अल्टीमेट एम ऑफ भगवत गीता बेस्ड MIL इज पीस हैप्पीनेस वेलबींग ऑफ सेंसिबल पीपल एंड व्हाट इज द इक्वेशन देन। गीता बेस्ड मीडिया लिटरेसी मल्टीप्लाइड बाय 7.5 बिलियन पीपल माइनस ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिवाइडेड बाय वन लिविंग अर्थ इज इक्वल टू वेलबींग। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, इससे क्या निकला, इस इक्वेशन से क्या हासिल होगा। गीता बेस्ड मीडिया लिटरेसी हेल्प्स पीपल टू चूज कॉन्शियसली एंड नॉट कंपल्सिवली। इट विल हेल्प पीपल नॉट ओनली टू बी फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस बट ऑल्सो वट टू डू विद देयर फ्रीडम, ये भी सिखाएगा। It will help people to move from intellect to intelligence. And lastly, it will help people to integrate their fragmented personalities and behavior. तो कुल मिलाकर के इस सारे जो equation है उसका ये अर्थ है। और ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, संवेदना, संस्कार और अधिकार, ये आपको हर स्टूडेंट को क्वालिफाई करने के ये तीन स्टेप होंगे। सबसे पहले सेंसिटाइजेशन, फिर उसके बाद उसके जो है प्यूरिफिकेशन, यानी कि बार बार उसमें से दोषों को निकालना और गुणों को स्थापित करना, एंड देन यू विल मेक हिम ऑथराइज्ड फॉर मीडिया एक्शंस। अधिकार का मतलब राइट नहीं होता, अधिकार का मतलब क्या होता है, ऑथराइजेशन। अगर आप राइट समझ रहे हैं तो बहुत गलत अर्थ समझ रहे हैं, दोबारा से आपको संस्कृत की शब्दावली से परिचित होने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के ये सब बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझी की हैं। समय बहुत लग गया, मैंने सोचा था मैं आधे घंटे में समाप्त कर पाऊंगा, लेकिन समय बहुत आगे चला गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि ये थोड़ा अनाचार हो गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये अब इसका तो कोई उपाय नहीं था मेरे पास। तो मैं आमंत्रित करता हूं आप लोगों की सहमतियां, आप लोगों की टिप्पणियां, यदि आपको ये लगता है कि जो भी आप महसूस करते हो, क्योंकि आपने किस एंगल से देखा है, जैसे कि मैंने बीच में कहा था कि आपने इस सारे विषय को किस एंगल से देखा है, जैसे मैंने कहा था एवं मया श्रुतम एवं मया दृष्टम और एवं मया ज्ञातम, तो उसमें आपकी सम्मतियां, आपकी बातचीत और सुझाव सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल निश्चिंत भाव से आप इस सारे विषय के ऊपर अपनी टिप्पणी रख सकते हैं, बात रख सकते हैं, ये ओपन हाउस डिस्कशन है, तो बिना किसी संकोच के आप इस सारे विषय को ले सकते हैं। जी, अपना को अनम्यूट कर लीजिए एक एक करके, एंड यू कैन शेयर योर व्यूज, एनीथिंग। जी अरविंद जी, विल यू लाइक टू से समथिंग? अनम्यूट कर लीजिए अरविंद जी। डॉक्टर अरविंद, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर अरविंद, अरविंद कुलकर्णी जी, प्लीज 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 सर, आप अनम्यूट करें अपने को, प्लीज अनम्यूट करें अपने को। सर अनम्यूट नहीं हुए आप? नाउ प्लीज शेयर योर व्यू। आई हर्ड the lecture fully to the extent I can understand. There are many, many points here. First of all, I am completely new to this topic of media and this, because I am a hardcore scientist. I studied astronomy, then I became science communicator. I was director of planetarium.
And then interest shifted to teaching physics and mathematics. Now, okay. What has been done here by Professor Ashutosh is extensive, and I need to study all the slides and understand every word more thoroughly than I have been able to. All that I can say is that during the last 1 hour, about 10% of what has been said is followed by me. I could only follow 10 to 15% because of my limitations and not the presenter's ability to present. So I need to reconsider, go through every slide neatly. Okay. I'm of course fond of Gita, and Gita tells us a lot many things. You have given me a new way of looking at the Bhagavad Gita and how Bhagavad Gita is as much real, as much useful for day-to-day world as it is for the other, the ethereal world in general. So what I would like to conclude to say is that I would like to see the video all over again, if you can present it, or if you can share the slides. Along with the slides, if the video is also there, it would be nice, so that I can see it twice or thrice more and study it in depth, because a lot of knowledge is condensed out here. As far as I am concerned, there must be many others who are from media. They might be able to follow, but I have a lot of ignorance about this area. So I would like to go deeper into it and then comment. Of course, one thing is that this is extremely important. And if we are to spread the Indian knowledge system, this is very, very important to us. And it is very critical that at this juncture, we should onboard the journalism and media departments of all the colleges and universities. Thank you, sir. जी, मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर प्रदीप कुमार राय जी अगर इस सारे विषय पे टिप्पणी करें, क्योंकि ये विषय तो बेसिकली उनका ही है, वो पढ़ाते हैं। प्रदीप जी, या संदीप जी ने माइक ऑन किया है। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। देखिए, बात आरंभ करने से पहले कहूँ, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर भारतीय शब्दावली को बिल्कुल सही संदर्भों में परिभाषित करकर अपनी शब्दावली से चीजें समझने की, विशुद्ध अपनी शब्दावली से चीजें समझने की का जो ये आयोजन हुआ, इससे उत्तम हिंदी दिवस क्या हो सकता है, निश्चित रूप से। और मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा और वहाँ के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक शर्मा जी का विशेष आभार जताऊंगा कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालय को इस कार्यक्रम से जोड़ा और एक अच्छा आयोजन कराया, समय दिया। और आशुतोष संगीरस जी का भी बहुत आभारी हूँ। और मैं जो देख पा रहा हूँ कि जो सुविज्ञ जन लगातार इन चर्चाओं से जुड़ते रहे, इन चेहरों से मैं पहले से बिल्कुल परिचित हूँ, जैसे कि हमारे कई साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो निरंतर इन चर्चाओं में, जैसे डॉक्टर जयप्रकाश जी, तो सभी, मुझे नहीं लगता, शायद मैं मिस हो जाऊं, वो होते थे। और अब की बार इस चर्चा के अंदर जो एक नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर त्रिशु शर्मा, जो सिक्किम, ये मणिपाल यूनिवर्सिटी में हैं और वो कई विभागों के संयुक्त रूप से अध्यक्ष हैं। मैं त्रिशु जी का भी विशेष आभारी हूं कि वो इस चर्चा का हिस्सा बने। आशुतोष जी, डॉक्टर त्रिशु मूलतः कुरुक्षेत्र से हैं और पिछले काफी वर्षों से मीडिया शिक्षण में अलग अलग पदों पर रहे हैं। तो मैं अब आता हूं इस विषय पे। एक तो क्या है कि जब आशुतोष जी किसी विषय पे बोलते हैं, उसमें इतनी संपूर्णता होती है कि बोलने के लिए बचता कुछ नहीं। अगर अपने आप को छोटा दिखाना हो तो आदमी पंगा ले, पर खैर मेरे ऊपर दायित्व है तो नहीं। उसमें बात स्पष्ट है कि जब हिम शिखर साथ में खड़े हों तो ओश की बूंद को अपने बारे में बात करनी नहीं चाहिए, पर मैं चलो दायित्व का वर्णन करूंगा। देखिए, मैं एक ही बात यहाँ विशेष तौर पे कहूंगा कि जिस तरह से डॉक्टर आशुतोष अंगिरस ने बताया कि सूचना आपके पकड़ में आएगी कैसे, आप सूचनाओं को सही संदर्भ में समझकर अपना सही तर्क, देखिए ध्यान से सुनिए,
अच्छा तर्क करने का सबका मन करता है, तर्क पकाने का जो रास्ता है उसका पकड़ने का मन किसी किसी का करता है। तर्क पकाने का जो रास्ता है वो आशुतोष जी ने जो शास्त्र से समझाया वाकई वही है, अच्छी समझ बनाने का सबका मन करता है, लेकिन उस समझ को बनाने के लिए जो निर्धारित श्रम चाहिए, जिस निर्धारित शब्दावली से होकर गुजरना पड़ता है, उसके लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, पर होना ही चाहिए, क्योंकि कच्चे चावल हमारे पेट को नुकसान देते हैं और कच्ची इंफॉर्मेशन हमारी बुद्धि को नुकसान देती है। तो आशुतोष अंगिरस जी ने जो तरीका बताया पूरे शास्त्र के, उससे आप ये बात समझ लीजिए, जो खैर मीडिया लिटरेसी का विद्यार्थी रहा, इतनी सी बात है कि अगर लोग सूचनाओं का सही तरीके से विश्लेषण करते हैं तो उससे पता क्या बनता है, उससे बड़ा मजबूत समाज बनता है, उससे मजबूत डेमोक्रेसी बनती है, उससे मजबूत हमारी पीढ़ियां बनती हैं। ये कोई इतनी भर बात नहीं है कि आपने सूचना ले ली, जिस समाज ने सूचनाओं को हल्के में लिया उसकी सारी व्यवस्था ही हल्की हो गई। लोग अगर कहीं बहे, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, संसार में जितने भी उपद्रव हुए वो किन्हीं झूठी सूचनाओं पर अधिकांश लोगों के विश्वास करने से हुए। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो यूं हुआ था कि एक झूठी खबर पे आधा यूरोप विश्वास कर बैठा, ठीक है जी। आप अभी हाल की यूएस के पिछले राष्ट्रपति पिछले चुनाव से चले पिछले में जाएं, आशुतोष अंगिरस जी व सभी अन्य साथी, 20 झूठी खबरों ने अमेरिका की डेमोक्रेसी को धराशाही कर दिया। अमेरिका ने कहा कि मुझे सोचना होगा कि मेरे नागरिक सूचनाओं के प्रति वाकई सचेत नहीं है, मुझे मीडिया लिटरेसी का अपना करिकुलम पे दोबारा विचार करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इस दायित्व का वर्णन कर लीजिए। मैं दो बातें कहकर वाइंड अप करूंगा, फिर डॉक्टर अशोक जो, क्योंकि उन्होंने इसके दायित्व का वर्णन किया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय से अध्यक्ष हैं पत्रकारिता विभाग के, वो अपनी बात रखेंगे। देखिए आशुतोष जी, तरीका तो यही है जो आपने बताया कि इस तरह से, क्योंकि आपने कहा कि ये शब्दावली से थोड़ा असहज हो जाएंगे, साथियों ध्यान रखें, हमारी पक्की समझ पक्की पकड़ जो ठोस शब्दावली है उससे बनती है। काम चलाऊ शब्द गुब्बारे होते हैं, बुलबुले होते हैं जो बच्चे हवा में उड़ाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनके सहारे आप कहीं पहुंच नहीं पाते। जो ये ठोस शब्दावली है इसके इससे परहेज ना करें, रास्ता यहीं से जाएगा। लेकिन अब मैं टीचर के नाते अंगिरस जी बात बताऊंगा, जब बच्चों को मीडिया लिटरेसी पढ़ने के लिए मैं लालायित करता हूं, बच्चे को प्रेरित नहीं, बच्चे को लालायित किया जाता है। मैं बच्चे को सबसे पहले ये कहता हूं, हाँ जी, उसको लालायित किया जाता है। मैं बच्चे को सबसे पहले ये कहता हूं कि बेटा पहले तो आप ये सोच लो कि आप सबका मन करता है कि हमें पक्की पक्की बात पता हो, पर यहां ध्यान से सुन लो कि ये जो किस्से हमें सुनाए गए हैं हकीकत नहीं है, बनाए गए हैं। अब तुम्हें इस बात को पकड़ना है कि ये हकीकत नहीं बनाए गए हैं, और इसको सही से पकड़ लो। और दूसरी बात, जो किताब में है वो तो सबका है, तू बता कि तेरा तजर्बा क्या है। जो इन दो बातों को समझ ले वो अपनी समझ से सूचनाएं पकाएगा, उधार की ज्ञान उधार का विवेक नहीं लेगा और किसी के बहकावे में नहीं आएगा। आशुतोष जी मैं आपको कहूं, हमारे हरियाणा में एक बढ़िया अच्छा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कह रहे भी फला आदमी वो बात बता रहा था, कहता उसकी बात ना सुनना, वो तो बकावा है। ये जो बकाना है ना, ये अपने आप में समाज को नष्ट कर देता है, परिवारों को। और अंतिम एक उदाहरण मैं दूंगा, कल मुझे फोन के ऊपर एक पढ़ी लिखी मेरी ही रिश्तेदार एक महिला ने कहा, कहता हमारे स्टेट के अंदर तो पेंशन बंद होने जा रही थी। मैंने कहा किसने कहा, कहता हाँ बात आई थी। मैंने कहा आपके स्टेट में पेंशन बंद नहीं होने जा रही थी, आपके स्टेट के अंदर यह कहा गया था पेंशन 1 तारीख की बजाय 10 तारीख को मिलेगी। कहता अच्छा, हमें तो यही चारों तरफ से सुनने को मिला। तो मैं यहां अपनी बात को विराम देता हूं, आशुतोष जी प्रोफेसर अशोक जी, अधूरी सूचना लेने का काम 100% लोग करते हैं। आधी आप सर्वे करा लो, आधी सूचना लेने वाले मिलेंगे आपको 100%, ये नहीं कहेंगे हमने तो बिल्कुल ही नहीं ली, आधी सूचना लेने वाले मिलेंगे 100%,
और पूरी सूचना लेने वाले मिलेंगे मुश्किल से 5-7%। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, आगे प्रोफेसर अशोक शर्मा जी जो हैं वो अपनी बात रखें। जी जी, इसके बाद श्री SST, उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है, या जो भी आप में से अपनी बात रखना चाहे। जी नमस्कार सर, आशुतोष सर धन्यवाद, आपने इस पूरे विषय को बड़े विस्तार से रखा और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि आपने इसमें जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, न्याय, मीमांसा, व्याकरण, ध्वनि, रस, भाव, सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया। और मुझे लगता है कि ये आपकी कोशिश थी कि आप सोच रहे थे कि आप आधे घंटे में पूरा कवर कर लेंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि इनके लिए हर एक टॉपिक के लिए शायद आपको एक सेशन रखना पड़ेगा, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा ताकि इससे और हम डिटेल में उसको जान सकें। हालांकि आपने एक छोटा क्लिप भी भेजा था इसको सेशन रखने से पहले कि जब आएँ तो उसे देख करके आएँ, तो मैं उसी कंटेक्स्ट में मेरा ये प्रश्न है बड़ा संक्षिप्त में कि एक तो जो अभी स्लाइड आपने डिस्प्ले कर रखी है कि इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रीजन, अनविलिंगनेस टू लिसन, दो चीज़ें हैं, एक तो स्पीकर की कैपेबिलिटी और दूसरा लिसनर की एबिलिटी, ये दोनों मिलकर के ही एक पूरा जो है सिस्टम कंप्लीट होता है। तो ये माना जा सकता है कि स्पीकर बहुत लर्नेड हो, स्पीकर सच्ची बात कह रहा हो और वो एक सही संदेश देना चाह रहा हो, लेकिन वो संदेश कैसे रिसीव किया जाएगा ये डिपेंड करेगा कि सामने वाले घड़े में कितना समा सकता है। तो एक लिमिटेशन तो लिसनर की हो गई जिसको क्रॉस कर पाना एक अपने आप में चैलेंज है। इसी से और ज़्यादा घातक हो जाता है जब स्पीकर एक अलग भाव लेकर के कोई संदेश देना चाहता है जो कि ज़्यादा अपीलिंग हो, जैसे खाना जो टेस्टी है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है उसमें। एक तो हुआ जो होलसम मील है जो आपने बनाने की कोशिश की कि मीडिया में जो कंटेंट जाए वो एक होलसम कंटेंट हो, उसमें इंफॉर्मेशन भी हो, नॉलेज भी हो, मीनिंगफुल भी हो, इंडिविजुअल और सोसाइटी को पूर्ण करता हो, उसकी आइडेंटिटी को एक्सपेंड करता हो, ऐसा हो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, मील जो है वो न्यूट्रिशियस हो सकता है और टेस्टी ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि टेस्टी है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। जी। तो जो ये नैरेटिव वार चल रहा है उसी से निकल के आ रहा है मेरा प्रश्न कि जो ये नैरेटिव वार चल रहा है और आपने जो क्लिपिंग भी भेजी जिसको देखा हमने कि जो एक स्पेसिफिक मैसेज और टॉक्सिक मैसेज और र्यूमर्स जो स्प्रेड करते हैं उनको काउंटर करने का तरीका क्या होगा, कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उसको उसके ऊपर रोकथाम लगाई जा सकती है। और स्पेशली सोशल मीडिया आ गया है, बड़ी तेजी से वायरल बोलते हैं उसका नाम ही वायरस की, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा कुछ बताएं तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हमने अग्निवीर के केस में देखा, CA NRC के केस में देखा और किसान बिल को लेकर के देखा और तमाम ऐसी उस पर देखा जिसमें मंशा सही है, सरकार कुछ करना चाहती है लेकिन वो मैसेज ट्विस्ट होकर के पहुंचता है। अभी बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के उठा, फिर आरक्षण को लेकर के मुद्दे उठे जो इंटेंडेड मैसेजेस नहीं है लेकिन गलत तरीके से भेजे जाते हैं और एक बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाते हैं और ये एक बड़ी चुनौती बन गई। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें कृपया। डॉक्टर साहब, प्रश्न बड़ा वाकई बहुत व्यापक है और बहुत गंभीर भी है। इसको हम सोचें कि यहाँ बैठ करके मैं इसका कोई सीधा सीधा उत्तर दे पाऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवस्था बहुत भारी है, बड़ी भी है और हम सब पे बहुत भारी भी है। आप किसी के साथ आर्गुमेंट करने भी जाएंगे तो वो पहले या तो आपको डिक्लेयर कर देगा कि ये तो तुम BJP वाले हो, तुम कांग्रेस वाले हो, तो ऐसी मानसिकता के साथ जूझना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम मीडिया लिटरेसी के विषय को भारतीय संदर्भों में हम उसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें, उसके विषय में बात करें। और जब हम बात करने लगेंगे कि हमें बात करने के लिए ये देखना होगा कि मैं किस तरह से
मैं उसमें कितना परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ, किस दृष्टि से परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी तो उत्तरदायित्व तो मेरा है कि मैं सूचना को ग्रहण कैसे करता हूँ और फिर आगे सूचना को प्रेषित कैसे करता हूँ। इसीलिए मैंने ये कहा था कि शुरू की स्लाइड्स में जब जहाँ पर मैंने ये शो किया था कि स्वयं गृहीष्यामि यदत्र निश्चितम, कि मैं स्वयं निश्चित करूँगा कि जो ग्रहण करने योग्य है, और इसलिए नहीं ग्रहण करूँगा कि भाई वो दूसरे ने कहा है इसलिए मैं उसको रिजेक्ट कर दूँ, मेरी पार्टी ने कहा है तो इसलिए मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ऐसा नहीं। तो बेसिक जो मूल धारा है वो तो आपकी है एक सम्यकता की, और वो सम्यकता की हमने हिंसा कर दी, उसको हत्या कर दी है और हम खेमों में बांट दिया है। ये जो पिछले कुछ सालों में, पिछले 200 सालों में लगभग ये जो तीन वाद उठ करके आए, एक तो डार्विन वाद जो उठ करके आया जिसमें सर्वाइवल को हम सब की सोच उसने प्रभावित की, फिर उसके बाद फ्राइड आया जिसने सेक्सुअलिटी के आधार पे हमें परिभाषित कर दिया, और तीसरा जो मार्क्स आया वर्ग संघर्ष। अब इसके बीच में अगर आप सोचें कि कोई आदमी स्वस्थ होकर सोच ले तो बहुत कठिन है, तो वो अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता पर आप निर्भर करेगा, नहीं तो इन तीन लोगों ने जो महायुद्ध ही पैदा किए हैं, मैं इनको इस बात के लिए जिम्मेदार मानता हूँ कि ये जो दो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं तो उसके लिए फ्रायड, मार्क्स और डार्विन, ये तीन लोग ही जिम्मेदार रहे, क्योंकि उनके विचारधारा के प्रभाव से उस तरह के व्यक्तित्व बने और फिर आगे चल के युद्ध हुए। तो उससे बचना है तो एक बार अपनी जड़ों की ओर हम लौटें, अपने जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल थिंकर्स हैं, जो मीडिया स्मार्ट लोग हैं, जो ओवर स्मार्ट हैं, जो किसी को भी आउटस्मार्ट कर सकते हैं, वो वीडियो मैंने इसीलिए शेयर किया था कि आप ये देख सकें कि कैसे आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर राम देवदत्त पटनायक को, और देवदत्त पटनायक कितने सहज रूप में उस सारे की बातों को जो है वो साइड क्लिक कर रहे हैं और उससे वो बाउंड्रीज ले रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन वो तब आएगा जब हम उसमें, जैसे प्रदीप जी ने भी ये बात कही कि भाई हमें अपने में इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, हम अपनी ट्रेनिंग तो करें थोड़ी सी कि भी बुद्धि को खोलना कैसे है, नहीं तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि या तो दुश्मन या दोस्त। तो इस तरह की डी कंडीशनिंग के प्रोसेस को एक बार इनिशिएट करें तो देखते हैं आगे कितना चलता है, फिर इन बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, और जानने सुनने में कोई रुचि रखने वाले, ज्ञान में कम से कम रुचि रखने वाले लोग नहीं है, तो प्रतिक्रिया में लोग जो है वो रुचि रखते हैं, प्रति संवेदन में किसी की कोई रुचि नहीं है, हर कोई रिएक्ट करना चाहता है, रिस्पॉन्ड करने में किसी की कोई रुचि नहीं। लेकिन बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत व्यापक है, इसको फिर लेंगे इस सारे विषय को। जी और कोई अपनी बात, जी रविंद्र कुमार गुप्ता जी। धन्यवाद अशोक जी, जहाँ आपने समाप्त किया मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। आपने तीन बात की बात की, डार्विन, फ्रायड और मार्क्स, एक चौथा बात भी है वर्तमान में जो बहुत इम्पोर्टेंट है मीडिया के संदर्भ में, वो है कैपिटलिज्म, जिसने आज पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पूरे वर्ल्ड में कब्जा किया हुआ है, और जहाँ से आपने शुरू किया था सर बातचीत उस पर आ रहा हूं मैं, इस मीडिया के एकाधिकार ने जो भाषा की अस्पष्टता एम्बिग्यूटी है उसको बढ़ावा दिया है, और इस एम्बिग्यूटी के कारण, इस भाषा की अस्पष्टता के कारण राजनीतिज्ञ तो उद्देश्य पूर्ण ढंग से जो है अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि उनको उल्टा पड़ जाए तो वो कहना शुरू करते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा अर्थ ये नहीं था, मेरा अर्थ ये नहीं था, ताकि यू कंफ्यूज द पीपल, आम आदमी को आप कंफ्यूज करें, और मीडिया इसमें बहुत बड़ा उनका सहयोगी बन जाता है, क्योंकि आज मीडिया भी मैं जो देख रहा हूँ वो जिन बातों की आपने चर्चा की सारे की, उनकी ओर शायद ध्यान ही नहीं देता कुछ निजी स्वार्थों के कारण। और अब मैं, क्योंकि समय हो रहा है, बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, आपने भगवद गीता के संदर्भ में बहुत ही अत्यंत ही सुंदर, और जिसे आप कहिए ना कि तर्कपूर्ण व्याख्या की है, और इसमें जो आपने दो तीन शब्दों का प्रयोग किया
जो कि बहुत आवश्यक है। एक पहले तो आपने खूबसूरती से भगवद गीता के प्रथम और अंतिम श्लोक का अर्थ को धृत किया है, और उसके बीच में आपने स्थित प्रज्ञ और लोक संग्रह। वास्तव में जो मीडिया का उद्देश्य है, जैसे आपने कहा, आपसे पूर्ण सहमत होते हुए, जैसे भगवद गीता में कहा गया कि लोक संग्रह के लिए जी आपको स्थित प्रज्ञ होना होगा, बिल्कुल, और स्थित प्रज्ञ होने के लिए आपको सुमत्व भाव और योग कर्म सुकौशलम, जिसका आपने स्लाइड में जिक्र किया है, उसका भी टेक्निक के रूप में यूज करना होगा। तो मैं बस केवल इतने कहूंगा कि आपने भगवद गीता की जो व्याख्या की है, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से उस दृष्टिकोण से भी भगवद गीता का और अध्ययन करने की आवश्यकता मुझे लगती है, मुझे करनी होगी, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। और अंगिरज जी, जी अंगिरज जी, हालांकि अभी मैं बात बिल्कुल रखने का मेरा अधिकार, मैं एक बात, एक संदेश देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी सात वरिष्ठ साथियों ने बहुत अच्छा अपना विचार रखा और उनकी जिज्ञासा बहुत अच्छी थी सार्थक सूचना के प्रति, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ मीडिया के विद्यार्थी के नाते। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लगा लो, कैसे अव्वल तो सभी परिप्रेक्ष्य में है ये, कि पहले तो आपको ये बात का प्रण लेना पड़ेगा कि आपको एक क्या कहते हैं सजग नागरिक बनने के लिए, मीडिया लिटरेट जो बनना है, उसमें दो चीजें स्पष्ट है कि एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना होगा कि न्यूज वास्तव में कहते किसे हैं जी, उसको वर्तमान संदर्भों में ही समझना पड़ेगा। देखो, सारे संसार में फॉर्मेट वही है न्यूज का, हम फॉर्मेट नहीं अब चेंज करने जा रहे हैं। एक तो न्यूज किसे कहते हैं, एक सार्थक न्यूज और कंप्लीट न्यूज होता कैसा है, और मीडिया की संदेश निर्माण की प्रक्रिया क्या है। और एक मेरी छोटी सी बात, मीडिया के संदेशों में ये खोट ये खोट ये चर्चा करके किसी की विद्वता सिद्ध नहीं होती। विद्वता तब सिद्ध हो जब मीडिया के हानिकारक संदेशों के साथ साथ कोई ये भी बताए कि मैंने कुछ सार्थक सूचनाएं भी जानी और पकड़ी हैं। जी जी, आपको अनाज और भूसा दोनों अलग करने पड़ेंगे। ये मत कहो कि मैंने भूसा पकड़ा भूसा पकड़ा भूसा पकड़ा, फिर क्या हो जाएगा, आपके अंदर एक नकारात्मकता बैठ जाएगी। कोई कालखंड हो ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी तरीके से एक ढंग की न्यूज देने वाले लोग बिल्कुल समाप्त हो गए। अगर आपने ऐसा नकारात्मक भाव बना लिया, फिर समझिए कि हम अपनी यात्रा पे नहीं निकल पड़ेंगे। मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अब न्यूज के स्वरूप और न्यूज के प्रति व्यवहार के लिए जो मेरे मीडिया के विषय से दो साथी डॉक्टर अशोक जी और डॉक्टर त्रिशु जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जो हैं हमारे जो हैं प्रतिभागियों को इस बारे में अवगत कराएं। जी डॉक्टर त्रिशु शर्मा जी, आपके कमेंट्स एक बार। नमस्कार सर। नमस्कार आशुतोष सर, प्रदीप सर, मेरे सर डॉक्टर अशोक सर फ्रॉम एचओडी फ्रॉम सेंट यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़, एंड नमस्कार सभी प्रतिभागियों को यहाँ पर। हाल मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छा है सर, मुझे बड़ी लेट इन्फॉर्मेशन मिली, बट आई एम थैंकफुल टू प्रदीप सर दोज हू इन्फॉर्म मी, बट आई ज्वाइन लेट। मेरे आज विश्वविद्यालय में यहाँ पर आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो फर्स्ट हाफ खत्म करने के बाद मैंने इसको ज्वाइन किया। बट एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें आपने सर ने, आशुतोष सर ने बड़ी अच्छी बातें बताई। मैंने 11:15 से लगभग ज्वाइन किया, जब से सर अधिकार के बारे में बता रहे थे कि अधिकार मतलब हमारे अधिकार, बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने सर ने बताया कि ऑथराइजेशन की, और हमें इस पे बात करनी है, जो सही में आज के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, मीडिया को चाहे हम गीता के माध्यम से हम इसको समझना चाहे, या गीता के माध्यम से हम मैनेजमेंट कंसेप्ट भी समझते हैं, लेकिन द थिंग इज कि द मॉरल्स एंड एथिक्स जो है उसकी बात आज केवल बात ही की जा रही है, उसको रियल मायनों में हमारे मीडिया जगत में अगर हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात भी करें तो वो अभी तक कुछ हद तक मिसिंग है। पहलू हमें सबको, चाहे हम मीडिया प्रैक्टिशनर्स हो चाहे हम मीडिया एकेडमिशियंस हो, कि कुछ भी हो, एथिकल प्रैक्टिसेस कैन नेवर बी कंप्रोमाइज्ड।
क्योंकि आप कुछ भी, जैसे अभी एक सर ने कहा कि आज के जमाने में कॉर्पोरेटाइजेशन है या मार्केट है या बिजनेस है, ऑफ कोर्स मीडिया इज अ बिजनेस दीस डेज, लेकिन जो बेसिक तथ्य है उन तथ्यों को किसी भी तरीके से प्रसारित किया जाए, लेकिन एथिकल प्रैक्टिसेस पे कहीं भी कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम आज के देखें कि आज अगर मीम्स का जमाना है डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में, मीम्स में कहीं भी चलते हैं कि अगर आप इस पार्टी का न्यूज देखना चाहते हैं तो ये चैनल देखिए, और इस पार्टी का न्यूज देखना चाहते हैं तो ये चैनल देखिए, इसके बारे में खबर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़िए, इसके बारे में चाहते हैं तो एक बार पढ़िए, ये कायदे से मीडिया संस्थानों की प्रासंगिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इन सबको दूर करने का एक ही उपाय है कि अगर एथिकल प्रैक्टिसेस और बैलेंस रिपोर्टिंग की ओर फोकस किया जाए, तो ये एथिकल रिपोर्टिंग और बैलेंस रिपोर्टिंग इज ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग। So this thing I want to convey, and I am eager to listen, Ashok sir, from Central of Haryana, sir. Thank you very much. Thank you. Dr. Ashok ji, sir. Sabhi ko mera namaskar. Am I audible? Ji ji. Haan ji. Main sabhi prabuddh janon ka aabhari hoon ki aap logon ne is gyan charcha mein Haryana Kendriya Vishwavidyalaya ke पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग को शामिल किया, और क्योंकि ये एक विषय ऐसा विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में, क्योंकि मैं भी एक मीडिया का विद्यार्थी हूँ, जैसा प्रदीप जी ने कहा। आशुतोष जी और प्रदीप जी इस विषय पे लगातार काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूँ दोनों को कि वो पिछले कई सालों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और मुझे इस बात को, क्योंकि मुझे आशुतोष सर ने धन्यवाद ज्ञापित करने का जो है जिम्मेवारी दी है, तो मैं धन्यवाद ज्ञापन से पहले दो तीन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है एक मीडिया के विद्यार्थी के रूप में, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये जो पूरा लेक्चर है जो अभी आशुतोष सर ने रखा, मुझे लगता है कि अपने आप में एक सागर की तरह है, कि उन्होंने सारे एस्पेक्ट को इस लेक्चर में रखने की कोशिश की है। मैं आशुतोष जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में, मैं सिर्फ ना हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के जिस भी विश्वविद्यालय में मीडिया लिटरेसी पढ़ाया जा रहा है, इस विषय को लेकर विद्यार्थियों में इतनी ज़्यादा उत्सुकता है मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि एक मीडिया लिटरेसी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 300-400 विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट में या इस विषय में लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। दूसरी जो बात है, ये विषय इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जैसे एसएस सर ने अपनी बात रखी कि भाई किसान आंदोलन की बात हो या देश के अंदर जितने भी बड़े इशू होते हैं, और उस दौरान जो नरेटिव प्रेजेंट किया जाता है, तो उस नरेटिव को लोग या तो लोग उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, या नरेटिव को एक गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। इसलिए देश भर के लोगों में ये उत्सुकता है कि मीडिया के कंटेंट को ठीक तरीके से कैसे समझें। तो आज मुझे लगता है मीडिया को और मीडिया के कंटेंट को समझना अपने आप में एक चैलेंज जो है लोगों के लिए हो गया है। इसलिए मीडिया लिटरेसी जैसा सब्जेक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और किसी ने कहा था कि मीडिया लिटरेसी इज ए 21st century स्किल। अगर अब हम मीडिया लिटरेट नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि एक ज़माने में 90 के दशक में जब हम लोग कॉलेज में थे, कहा जाता था कि अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आप लिटरेट नहीं हैं। तो आज ये है कि अगर मीडिया लिटरेसी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी हम तर्क या वितर्क करते हैं तो उसका कोई मीनिंग या कोई लॉजिक या उसको हम ठीक तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये ना केवल क्योंकि आशुतोष सर के साथ ये बात जब हम लोग करते हैं, क्योंकि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, और वो बात जो है मुझे लगता है कि मैं फैक्ट चेकिंग के बहुत सारे ग्रुप्स के साथ जुड़ा हूँ, और मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी कोविड जो है इंफोडेमिक के दौरान जो देश में, भारत में स्पेशली फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैला है, उस पर पहला पीएचडी थीसिस जो है वो हम ट्यूसडे को जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं। तो मैं क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
ये फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन पोल्यूशन, ये समाज के लिए मुझे लगता है एक खौफ है। और अभी एस एस सर ने जो कहा कि इस चर्चा के दौरान भी बहुत सारे दोस्त थे व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे टॉक्सिक मैसेज जो है आप लोगों के पास भी पहुंचते हैं। अभी जैसे बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, इतने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, किस किस को जवाब दें कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है। तो इट इज ए वेरी, मतलब मुझे लगता है इट इज ए वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, दैट हाउ टू अंडरस्टैंड द मीडिया एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द मीडिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि मीडिया लिटरेसी जैसा सब्जेक्ट जो है वो आज का नहीं है। वॉल्टर लिपमैन एक बहुत बड़े स्कॉलर है मीडिया में, उन्होंने 1925 में ही फैंटम पब्लिक के बारे में बात की है। उनकी एक पूरी किताब है फैंटम पब्लिक, जिसमें जो है वो डीप स्पेक्टेटर के बारे में बातचीत, डीप स्पेक्टेटर के बारे में बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो क्वालिफाइड सिटीजन बनाने की बात है, कि अगर पाठक, दर्शक और श्रोता जो है वो जागरूक रहेगा, तो मीडिया के मैसेज को इवेल्युएट करना, मॉनिटर करना और सही मैसेज को की परख करना, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो एक कम्युनिकेशन का एक मॉडल है जिसको हम SMCR मॉडल मानते हैं, डॉक्टर तेशु और डॉक्टर प्रदीप उसके बारे में जानते हैं। मुझे लगता है जब हम मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं, हमें SMCR के ऊपर काम करने की जरूरत है कि सोर्स, आजकल फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का जो बेसिक जो रूट है वो पॉपुलर लोग हैं, ठीक है, वो सेलिब्रिटी हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, उनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, वो वहां से मैसेज को फैलाते हैं। तो मुझे लगता है हमें सोर्स के लेवल पे काम करने की जरूरत है। दूसरा जो प्रदीप जी ने कहा कि मैसेज कंस्ट्रक्शन, मैसेज कंस्ट्रक्शन जो है, बिकॉज ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इट इज वेरी इजी टू क्रिएट ए फेक मैसेज। तो अभी जब हम लोग जो थीसिस अभी सबमिट भी कर रहे हैं, तो कोविड में यही हुआ कि लोग खाली बैठे थे घरों पे, फालतू का डेटा लोगों के पास था, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज की सैचुरेशन थी, तो लोगों ने भर भर के जो है डीप फेक मैसेजेस क्रिएट किए और सर्कुलेट किए। तो मैसेज कंस्ट्रक्शन के लेवल पे जो है काम करने की जरूरत है। और तीसरा जो है चैनल, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो लगातार चेंज हो रहा है, लगातार एक्सपेंड कर रहा है। अभी जैसे डॉक्टर त्रिशु ने कहा कि हमें न्यूज को लेकर जो सेंस जो है वो डेवलप करने की जरूरत है, मुझे लगता है लोग असल में हो क्या गया है कि लोग जो मेनस्ट्रीम मीडिया है और जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया है, इसके बीच में जो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली जो सोशल मीडिया के जरिए जो कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, उसको भी वो मीडिया का कंटेंट मान रहे हैं, लेकिन उस कंटेंट को जो है वेस्ट बंगाल में एक 9th क्लास का बच्चा जो है प्रॉफेट मोहम्मद की एक वीडियो जो है अपलोड कर देता है और पूरे वेस्ट बंगाल में आग लगा देता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मैसेज को कोई मेनस्ट्रीम मीडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये जो मैसेज कंस्ट्रक्शन जो है, इसके लिए भी हमें लोगों को संजीदा बनाने की जरूरत है। जैसे आशुतोष सर ने कहा कि हमें इंटेलेक्ट टू इंटेलिजेंस की तरफ जाना है, और तो मुझे लगता है कि, और तीसरा जो है रिसीवर के एंड पे, कि हम जो अपना रिसीवर है, श्रोता है, पाठक है, जिसके बारे में वॉल्टर लिपमैन ने भी बात की है, कि उसको हम अवेयर कैसे बना सकते हैं। उसको अवेयर बनाने का तरीका जो है, ये ज्ञान चर्चाएं हैं जो आशुतोष जी करते रहते हैं, वरना लोग सारा दिन फालतू के व्हाट्सएप में जो है गॉसिप चलते हैं और र्यूमर्स फैलाते हैं और स्पेशली मीडिया का ही सहारा उसके लिए लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो है इस मिस इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन पोल्यूशन को रोकना जो है मीडिया के लिए संभव नहीं है। अगर आप हम सोचते हैं कि मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म जो है जो बहुत छोटा हो गया है, मेनस्ट्रीम मीडिया मुझे बहुत छोटा नजर आने लगा है, बहुत बोना नजर आने लगा है, क्योंकि लोग मेनस्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े प्रोफेसर, डीन, सीनियर प्रोफेसर ऐसे ऐसे वीडियो शेयर करते हैं, मुझे शर्म आती है कि भाई मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को समझ नहीं है कि ये मैसेज मीडिया का मैसेज नहीं है। ये जो कंटेंट है, इसको जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, इसको जो बैकग्राउंड दी है, वो किसी चैनल या अखबार या किसी पत्रकार ने नहीं दी है, राइट? उसके लिए IT सेल बन गए हैं, राइट? करोड़ों लोग इसी पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आम नागरिक को जागरूक करने से ही इन सब चीजों का सॉल्यूशन होगा। और मुझे लगता है इस तरह की चर्चाएं अगर होती रहेंगी और
हम लगातार, क्योंकि आशुतोष सर ने इतनी बातें रखी हैं, मुझे लगता है जो उन्होंने सबसे बड़ी बात मुझे लगी जो सेंडर के लेवल पे, कि हमें जब हम कोई मैसेज को किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो हमें ये बताना होगा कि भाई मैं जो मैसेज आपको दे रहा हूँ उसको आप टपा लें, उसको छेद कर लें, ग्रहण कर लें, क्वेश्चन करें, राइट। और दूसरा जो है रिसीवर के एंड पे उसको बैलेंस अप्रोच के साथ उसको ग्रहण करना होगा। मुझे लगता है ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, अगर ये चीज लोगों के अंदर आ जाए कि जो भी मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और लोगों को इसके लिए प्रवोक कर रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन में, मेरी बात में, मेरे मैसेज में अगर कोई गलत नियत है, इंटेंशन है, फैक्ट गलत है, बैकग्राउंड गलत है, कॉन्टेक्स्ट गलत है, तो आप उस पर सवाल जरूर करें। ये मुझे लगता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी होगा। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, बहुत सारी चीजें जिस पे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और मैं और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग आपका धन्यवाद करता है, आभार प्रकट करता है कि आप इस ज्ञान चर्चा में शामिल हुए और आपने अपनी बात जो है रखी। और मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जो जिस पे जितनी भी चर्चा हो उतना कम है, और मुझे आशा है कि आने वाले समय में भी इस तरह की चर्चाएं हम जारी रखेंगे। और मैं चाहता हूं आशुतोष जी को एक निवेदन भी करता हूं कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय दोनों मिलकर एक चर्चा, एक व्याख्यान या कहीं एक वर्कशॉप जो है इस विषय पे अपने विद्यार्थियों के लिए आयोजित करना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि आप किसी भी दिन आने वाले समय में, क्योंकि हमारे दोनों विश्वविद्यालयों में करीब 10-10, 15-15 जो है स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के बच्चे हैं, तो वहाँ तक ये मैसेज अगर जाएगा और भावी मीडिया कर्मियों तक ये मैसेज जाएगा तो उनको भी फायदा होगा। और जो जिस अभियान में आशुतोष जी और प्रदीप जी लगे हुए हैं और या हम सब लोग लगे हुए हैं, उस अभियान में कुछ हद तक हम सफल हो पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आपका तहे दिल से, डॉक्टर त्रिशु का, डॉक्टर प्रदीप कुमार राय का, और बहुत ही सीनियर लोग जो है, मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा ग्रुप है आशुतोष जी के पास, मुझे लगता है इसी तरह की डिस्कशन या इस तरह की चर्चाएं जो इंटरडिसिप्लिनरी लेवल पे होंगी तभी हम इन चीजों का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरी तो बस ये इतनी इच्छा है और मेरा ये निवेदन भी रहेगा कि मीडिया लिटरेसी का जो कोर्स कंटेंट है उसमें कुछ ना कुछ हम ऐसी चीजों को एडअप करें, और ये प्रैक्टिकल है, जैसा कि मैंने वो बताया था कि असाइनमेंट्स दे सकते हैं हम स्टूडेंट्स को मीमांसा के आधार पे, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा टीचर को सीखना जरूरी है और फिर उसके बाद हम स्टूडेंट्स को उसमें ट्रेन करें कि कैसे उन्होंने मैसेज इंटरप्रिटेशन करनी है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम कोर्स कंटेंट में लेकर के आए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। तो इतनी मेहनत केवल मैं इसीलिए करता हूँ और लंबी चौड़ी नहीं बात है। अब इसके बाद हमारे साथ मैं चाहूंगा कि संदीप जी आप कुछ कहना चाहते हैं। मैडम इंदु शर्मा ने हाथ उठाया है और हमारे साथ डॉक्टर गणेश दत्त बजाज जी भी हैं, डॉक्टर अखिलेश जी हैं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं सर? इट विल बी गुड अगर आप इफ यू शेयर फ्यू लाइंस। प्रोफेसर आशुतोष जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और विषय चाहे मेरे अनुभव का नहीं था लेकिन एवं मैं अदृष्टम एवं मैं अश्रुतम वाली बात है, लेकिन जो आपने लास्ट में कुछ पंक्तियां कही हैं उसको पुनः कहने का, और जो भी इसके उपयुक्त सज्जन हैं उनके ध्यान में ध्यानाकर्षित करने का मेरा भी मन कर रहा है कि ये इस तरह के सिलेबस जर्नलिज्म और इनका जो मीडिया एजुकेशन के लोगों को, बच्चों को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, कोई सरल सी बात नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृत में जो ज्ञान पड़ा है वो हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से हम जो एजुकेशन लेकर आते हैं और उसके हिसाब से जो समाज में घटित हो रहा है, जैसा समाज में चल रहा है, वैसा ही बस हम पढ़ के और पैसे कमाने की तरफ भागते हैं। उस चीज को जरा भी नहीं समझ रहे कि हमारे पास ज्ञान कितना है। इतना जबरदस्त ज्ञान है जितना कि हम, मतलब आप ढूंढ के लाए हैं और आप पढ़ाने को और बताने को और
उनके करिकुलम में ऐड करवाने को तैयार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इसका, जैसा कि कहा गया अभी, कि इसका वीडियो जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है शायद आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, शेयर करूंगा। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये जो लोग देखना चाहते हैं, कुलकर्णी जी कह रहे थे जैसे, तो इस वीडियो को कई बार देखकर, कई बार इसको जानकर समझकर, और ये सचमुच बहुत स्तरीय चर्चाएं आपने की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैडम इंदु जी और अखिलेश जी, डॉक्टर अखिलेश जी, आप कुछ, या सुभाष जदू जी, अखिलेश जी और उसके बाद सुभाष जी, इंदु मैडम, कोई भी सर बोलें क्या? जी जी जी। सर सभी को नमस्कार। यहाँ पर बहुत ज्ञानी लोग हैं, मैं तो अपनी कल्पना से लिखती हूँ मीडिया में, जो एक आजकल तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर लिख सकता है, लेकिन ध्यान रखती हूँ कि एक तो अभद्र भाषा नहीं हो, अश्लीलता नहीं हो, और दूसरा उसके अंदर जो भी कुछ लिखूं उससे कोई कुछ सीख ले, और दूसरा ये कि है ना, चाहे उसे कोई पसंद करे या नहीं करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये एक ईमानदारी अंदर है, जो मैं संस्कृत तक क्यों, शायद इसलिए मेरे अंदर ही है ये। और दूसरी बात जो मैं देखती हूँ प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल व्यवहारिक बुद्धि से बोल रही हूँ, मुझे कोई इसका ज्ञान नहीं है कि इसका क्या फंडामेंटल होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रसारित करने के तरीके होते हैं, लेकिन जब न्यूज़ देखते ना तो एक उधर चला गया, एक इधर चला गया, एक गाना गा रहा है, एक डांस कर रहा है, उसमें क्या मॉरलिटी मिल रही है मुझे समझ में नहीं आया। इतनी लंबी लंबी टीआरपी के लिए उसको इतना खींचा जाता है, और एक सही न्यूज को दबाने के लिए गलत न्यूज को उभारा जाता है। कई बार ऐसा लगता है, जो आप मीडिया वाले होंगे तो कम से कम इतनी ईमानदारी तो रखें कि सच बात बोल रहे तो वो माइक ही हट जाता है। ये कैसी मतलब प्रजातंत्र है मुझे समझ में नहीं आया। और शायद प्रजातंत्र की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी मीडिया है, जो एक सामान्य आदमी से जुड़ी हुई है, जो आपको बात को सीधा पहुंचाती है। मैं भी इस माध्यम से बोल रही तो मेरी बात भी जा रही है, तो जा रही है और सही चीज पहुंच रही है। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, और आजादी का अपना सबसे बड़ा आधार रहा है मीडिया, तो इसको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, किसी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। मैं जो सोच रही हूँ, और कई बार तो दिखा दिया था कि आगे यहाँ पर कोई लेडीज बोल रही है, पीछे पता चला मूछे वाला लड़का बैठा है, अगर पर्दे के पीछे देखा गया तो मालूम ही नहीं चलता क्या चल रहा है ना। इतना भ्रमित किया जा रहा है एक ही सूचना को लेके, और एक सूचना के इतने ब्रांड हो रहे हैं, 20-25 मिल जाएंगे आपको, उसमें असली ढूंढने की मुश्किल हो जाती है कि असली क्या है, कुछ पता नहीं चलता। मतलब मीडिया को वास्तव में अगर कोई इसको पढ़ा रहा है तो उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और वास्तव में मैं ये समझती हूँ, जो बोल रहा है ना उसको हर चीज पता होती है कि क्या सत्य और क्या असत्य है, क्योंकि वो उसको सूचना को संग्रहित करके लेके आया है, लेकिन उसको अपने टीआरपी के लिए वही दिखाना है जो उसको दिखाना है, तो ये चीज गलत हो जाती है पूरी राष्ट्र के साथ, देश के साथ। और आप इसी को देखो कि जब आजादी के टाइम पे कई सूचनाएं निकली, आज उसका अन्वेषण, छिद्रान्वेषण हो रहा है ना, तो ये उस समय दबाई गई होगी, तो ये पूरी प्रजा के साथ, सोसाइटी के साथ अपराध है अगर दृष्टि में देखा जाए तो, अगर सामाजिक दृष्टि में देखा जाए तो ये अपराध है एक पूरी प्रजा के साथ, कि आप इतने युगों से किसी को भ्रमित रख के और किसी कार्य को करवाए जा रहे हैं, पूरी जनता को, पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को। क्या अभी जो हो रहा है वो आगे छिद्रान्वेषण हो के फिर वो क्या लोग दोषी नहीं होंगे उस चीज के? दोषी तो होंगे ना, तो उस चीज को देखना चाहिए। और अगर अपन विदेशी थिंकर्स के अनुसार चलते हैं, फ्रायड और ये वगैरह हैं, तो उनकी सोच कैसी है वो तो उनको पढ़ने से भी पता लग जाता है, अपने शास्त्रों में तो नहीं मिलती थी सोच। चलो ये तो ठीक है मैडम। और मैं एक मिनट सर, उनकी सोच जो चिंतन है वो ऐसा लगता है कि वो जैसे रेगिस्तान के अंदर रेनकोट पहनने के लिए बोल रहे हैं, तो वो मान्यता है वहाँ फिट ही नहीं होती, आप उसको कैसे लागू कर रहे हैं? जो अपने देश संस्कृति वातावरण से फिट हो उसको लेना चाहिए ना। मैं बस यही कहना चाहूंगी, धन्यवाद और क्षमा चाहूंगा अनर्गल बोला हो तो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल जेन्युइन आपने जो कंसर्न है वही कहा। मैं व्यवहारिक बुद्धि से बोलती हूं और गृहिणी हूं, लिख लेती हूं थोड़ा बहुत। धन्यवाद सर। नहीं नहीं बाप दे। डॉक्टर जी जी, अंगिरस जी जी, अंगिरस जी, मैडम मैडम इंदु ने के भीतर जो सूचना, गलत सूचनाओं को लेकर तड़पती, ऐसी चिंता होनी चाहिए, वाकई जरूरी है भाई, कुछ गलत या सार्थक नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन आशुतोष जी, इस आयोजन की का एक त्वरित लाभ हम आज ही ले सकते हैं, बाकी चीजें तो अपना टाइम लेंगी। आपको ना प्रण लेना पड़ेगा कि
न्यूज और सार्थक न्यूज क्या होता है उसके प्रति मैं अपनी समझ बनाऊंगा। जैसे कि प्रोफेसर अशोक ने बताया कि समस्या आज की नहीं है, वॉल्टर लिपमैन के टाइम से ये रोना रोया जा रहा है। right. आप क्लियर हैं? अभी वो इन्होंने क्या करा, डॉक्टर अशोक ने बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें बता दी कि कितने पुराने टाइम से हो रहा है। समाधान एक ही है कि आप समाचार और सूचनाओं का थोड़ा समभाव से विश्लेषण करें। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर समाचार को कोसने कोसने का काम करोगे तो आप समाज को और स्वयं को कुछ नहीं दे पाओगे। और गणेश जी, आपकी जानकारी में मैं लाना चाहूंगा, ये विषय नहीं है कि पत्रकारिता के विद्यार्थी को पढ़ाया जाए। एक ही लाइन कहूंगा, पूरे संसार में ये स्वीकार कर लिया गया है, हर नागरिक का पहला धर्म है समाचार को सही तरीके से समझने के लिए तैयार होना। हर नागरिक का धर्म है, ये कोई पत्रकारिता के डिपार्टमेंट का काम नहीं है सिर्फ। हर नागरिक का पहला धर्म है कि आप समाचार को सही तरीके से समझने के लिए अपना श्रम लगाएं। मैं अपनी बात ही समाप्त करता हूँ। चलिए ठीक है, इसमें मैं प्रदीप जी एक चीज को ऐड करना चाहूंगा। मुझे लगता है प्रॉब्लम जो है समाचार के लेवल पे नहीं है, प्रॉब्लम जो है इंफॉर्मेशन के लेवल पे है। हमें इंफॉर्मेशन और समाचार में क्या फर्क है ये भी लोगों को बताना चाहिए, ये भी पब्लिक को पता होना चाहिए। और क्योंकि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उनमें लोगों तक जो पहुंच रही है वो इंफॉर्मेशन ज्यादा है, समाचार कम है। और तीसरा जो एक पहलू जो इंदु शर्मा जी ने टच किया, जो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पहले की सूचनाओं को रोक के रखा गया और आज वो सूचनाएं जो है पब्लिक डोमेन में उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है क्रिटिकल थिंकर के रूप में हमें ये भी इवेल्युएट करना चाहिए कि वाकई में वो सूचनाएं सच भी हैं या नहीं, या जानबूझकर उन सूचनाओं को, गलत सूचनाओं को गलत कॉन्टेक्स्ट देकर आज प्रेजेंट किया जा रहा है और लोगों को डिस्टॉर्टेड तरीके से वो चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं। तो ये अब हमें तय करने की जरूरत है कि इसमें जो है दोष किनका है। ठीक है, तो जो सूचनाएं गलत कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रेजेंट की जा रही हैं। और आशुतोष जी, आपके पूरे लेक्चर में जो है हम लोगों ने जो देखा, जो आपका पूरा जो मॉडल है वो भाषा पे है, भाषा पे ज्यादा, शब्दों पे, वाक्य पे, इन चीजों पे है। मुझे लगता है हम एक मल्टीमीडिया दौर में हैं, इमेजेस जो है, वीडियो जो है, मल्टी टेक्स्ट जो है, इंफोग्राफिक्स जो है, वो बात को कम्युनिकेट करने का एक अपना ही उसका एक अपना तरीका है। तो मुझे लगता है इस डायरेक्शन में हमें फ्यूचर में फर्दर काम करने की जरूरत है। राइट राइट, इसको हम एड अप कर लेंगे क्योंकि ये तो इसमें तो समय नहीं था और संभव नहीं था, लेकिन उसमें जो ऑडियो और वीडियो दोनों को ही इसमें ऐड अप करूंगा लेटर पीरियड में, क्योंकि वो फिर छोटे छोटे इसके वो भाग करने पड़ेंगे। जी बहुत संक्षेप में डॉक्टर अखिलेश जी और फिर उसके बाद सुभाष जादू जी, और फिर इसको हम पूर्ण करेंगे आज की चर्चा को। सभी विद्वान जनों को मैं नमन करता हूं और आदरणीय आशुतोष जी ने जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अभी तक जितने मैंने लेक्चर सुने हैं उन सब में जो आप किसी विद्वान के अलावा सारी बात रखते हैं उसमें न केवल बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, महत्व होता है, गंभीरता होती है, बल्कि मैं तो ये महसूस करता हूं कि आप कितनी अधिक मेहनत करते हैं। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय आशुतोष जी को हम सुन पा रहे हैं, उनके उनके साथ हम हो पा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं इस मीडिया से अलग हटके एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जहां तक शास्त्रों को समझने की बात है, उनकी जो सूचनाओं को समझने की बात है, तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम जिस समय का शास्त्र पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, चिंतन करना चाह रहे हैं, उस समय की काल परिस्थितियों को पहले समझें, उस समय के लोगों की जो विद्वता है उसको हम पहले जो है समझें, और उस समय की परंपराओं को पहले समझें, और जो भी हम समझें वो एक समग्रता के साथ उसका भाव जो है समझे। ये संभव नहीं है कि हम केवल एक
श्लोक का या एक मंत्र का कोई एक भाग उठाए उसका उसका भाष्य करें और उसको हम समझने लग जाए, ये संभव नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब भी कोई व्यक्ति ये किसी ऋषि के पास कोई जिज्ञासा लेके जाता था तो ऋषि उनको अक्सर कहते थे कि आप एक वर्ष हमारे आश्रम में रहकर तप कीजिएगा। तप का अर्थ ये था कि हमारी परिस्थितियों में डलिएगा, हमारे ज्ञान के स्तर को समझिएगा, हमारे ज्ञान पे आप जो है पहुंचिएगा तो आप हमारी बताई हुई बात को समझ सकते हैं। तो ये बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए जहां तक शास्त्रों का सवाल है। और एक छोटी सी बात आज के मीडिया पे कर देता हूं, मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य होता है कि जब मीडिया में जो पक्ष विपक्ष के लोग वो तो कहते ही कहते हैं, एंकर भी गलत बात कहते हैं। जैसे वो ये कहते हैं कि पहलवानों को पटक पटक के मारा, भाई सही बात बताओ कि उनको जो है अरेस्ट अरेस्ट करने जा रहे थे इसलिए वो अरेस्ट नहीं हो रही थी और उधम मचा रही थी। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप तो किसानों को खालिस्तानी कहते हो। अरे भैया खालिस्तानी उसमें आए थे, अपना चिट लेके आए थे, उन्होंने वैसी हरकतें की थी तो हम क्यों नहीं कहें जो है खालिस्तानी। तो ये एक मीडिया में जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है ये बड़ी चिंता का विषय है। बहुत आभार आप सबका, धन्यवाद। लास्ट मुझे लगता है डॉक्टर सुभाष जादू जी, और उसके बाद हम फिर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी, एम आई ऑडिबल? यस 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 सर। आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदी दिवस के लिए मुझे 2-3 सेंटेंसेस हिंदी में बोलने पड़ेंगे। यू हैव रियली अ थर्ड बियरिंग काइंड ऑफ अ सिस्टम विद इन योर पर्सनैलिटी, आई अप्रिशिएट। आई डोंट नो हाउ अदर्स विल टेक इट, इट इज एन अप्रिशिएटिंग पॉइंट दैट इन इंडिया वी आर स्टिल थिंकर्स लाइक यू हु वॉन्ट that we should look into our roots and see how we can build our future by looking into our history. Along with you, I am quite thankful to Madam Indu, who spoke maybe 2-3 persons prior. She was vehement about that if there is a distortion and some pseudo writers in the history have created some bluffs and they have carried us to a point where we have no point of return. I think we have to give weightage to that kind of a thought process which Induji has. When I was in school, sir, I will take 5 minutes, after that you can close me off. When I was in school, I was taught that India was invaded by Aryans. And I was taught that if there is a road which connected India, it was only built by a Muslim king. Prior to that, we had no roads. I was taught in school, because today you are very particular that in media syllabus, what we have to include, what we have to delete. These things were taught to us. I am product of that misinformation, that there was an Aryan invasion, that Dravidians were aboriginals. We have attacked aboriginals. Then we have come from north. Then a distortion that I am called a Hindu is because I lived on the banks of Sindhu. It is nothing like that. Hindu, Sindhu, boy. Because Hindu is a word which is in our Sanatan script. It is nothing like that. Sindhu got converted into Hindu. I have been taught it, that we were called Hindu because we lived on the banks of Sindhu. It is nothing like that. I am a Hindu because my scriptures have told me that I am a Hindu. They have told me that you are living in a Bhukhand where on one end is Himalaya, on another end is a... And that's why I called Dravid. But all this was not taught to me like this. It was taught to me when I was in school. I am a live example for that. It was distorted. Everything was distorted for me. I was given a pride that Tipu Sultan is one of the best kings. Akbar is one of the best kings who gave mass massacres. Yes. We cannot forget these things and we should not overlook. If something is digging in the archive, we have to evaluate. And because of that, if there are modifications, we have to do it, whether it is syllabus or it is my routine life or regular media. Ashutoshji, we cannot go away from when we have advertisement. We have advertisement in the media. We cannot go away from it. A hero riding a motorcycle at a speed of 100 kilometer goes behind a truck and takes a bottle of some cold drink. And then he is shown that he is the Superman. Do you think our children can go away from having an impact of that advertisement?
बिल्कुल. डू यू थिंक अवर चिल्ड्रन एंड अवर फ्यूचर विल गो अवे फ्रॉम शोइंग हाफ नेकेड बॉडीज ऑफ फीमेल्स फॉर एडवर्टाइजिंग द गारमेंट्स? बिल्कुल. How are we then saying that if there are problems in media, they are only because we have not given exact curriculum in the schools and colleges? I don't think we have enough education, enough people like you, like people in the audience we have today. They are trying their level best. आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी इन चीजों को, किसी तरीके से इस देश का भला हो. और उसके एंड पे क्या मिलता है लास्ट में, दैट कि आप हिंदू हो ही नहीं, आप एक डिस्टॉर्शन मेरे लिए क्रिएट करते हैं. आई एम रियली थैंकफुल टू अ साइंटिफिक स्टडी विच वॉज कंडक्टेड बाय रिमोट सेंसिंग दैट खाखरा एंड गागर द प्रेजेंट अबंडेंट रिवर्स आर द रिमेनेंट्स ऑफ सरस्वती रिवर विच वंस फ्लोड फ्रॉम हिमाचल वाया हरियाणा एंड केम टू गुजरात एंड दैट वॉज अवर रिवर विच वॉज इन ऑल वेदास स्क्रिप्टेड एज सरस्वती. And you gave me a misinformation when I was in college and school that it is not Saraswati civilization, it is Indus Valley civilization. It is Mohenjo-daro Harappa. Yes. And then we are saying that we have to blame our children who are getting misinformation from media today. Sir, I am a product of misinformation, sir. I am 65 years old man. I am a product of misinformation only for last 65 years. I am so indebted to Madam Indu if she is really writing and writing on these kind of things. Induji, I salute you for having such a vocal cord for these things. Bilkul. Artoji, excellent whatever you are doing. I will end my content with one line. I am so annoyed with Mr. Devdutt, jiska aapne video bheja tha. Yes, I know. Mr. Devdutt sold his books. He collected crores of rupees by coming on Shraddha channel, by entering into the Sanatan Sanskriti from left to right, Ramayana to Mahabharata, the Krishna and whatnot. And later on he said that Abrahamic religions, they are at par with our Vedas. Yes, I do understand. I was so delighted, Ashutosh, I was delighted when you sent that content. Aur maine aapko content ke reply mein bheja tha. I was so aghast. That a man who got his recognition in the whole Indian continent because he started coming on the Shraddha channel and then with the contents of Sanatan Dharma stories, and later on he started comparing the Sanatan Sanskriti with Abrahamic religion and said it has part. Bilkul, bilkul. Thank you. Thank you for taking my country, sir. Thank you very much. Thank you. One request last, that is please share the PPT. If not, Definitely. The recording. Thank you all of you for patient listening. Thank you very much, sir. थैंक यू सर. देवदत्त को तो सिर्फ इसलिए वो वीडियो इसलिए शेयर किया था कि उन दोनों के जो स्किल्स हैं बोलने के, जो जिस तरह से वो अपनी बातचीत कर रहे हैं, वो स्किल्स देखने वाली बात थी कि किस तरह से जो है वो गेम प्ले की जाती है और उसमें आपको कितना स्मार्ट होने की जरूरत है, ये बस केवल एक पक्ष था. और नहीं, बाकी तो मालूम ही है देवदत्त महोदय का कि क्या कर रहे हैं. राम जी भी उसी के, क्या कहें, नाम जरूर राम है लेकिन क्या कर्म है, चलिए छोड़िए. चलिए धन्यवाद करते हैं. किसी और ने कुछ कहना है, लास्ट टिप्पणी किसी ने कोई करनी हो तो, नहीं तो धन्यवाद करते हैं और फिर आज की बात के लिए आपको यहीं पूर्ण करते हैं. तो आज की चर्चा के लिए, आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. और विशेष रूप से प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष जी, प्लीज दो मिनट. जी जी सर, आई हैव वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन दो बातों पर. न्यूज को लेकर जो यहाँ पर कहा गया कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी कहना क्या गलत है, जी ये बहुत गलत बात है. इससे मैं पूरी तरह से असहमत हूँ, क्योंकि किसी भी समाज में, किसी भी आंदोलन में तामसिक प्रवृत्ति के लोग आ सकते हैं. इसका तो ये नहीं कि पूरे के पूरे आप समाज को अभद्र भाषा या इस तरह से कहें. इसी प्रकार से पहलवानों को पटक पटक के मारा गया वाली बात पर भी यदि आप उस समय के दृश्य देखें, क्या भारतीय संस्कृति में महिलाओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार राज्य द्वारा किया जाए स्वीकृत है? इसके ऊपर भी जरा विचार कीजिए. इन दो बातों को लेकर मेरा बहुत ही आपत्ति है. जी जी, स्वीकार है आपकी बात.
बिल्कुल उचित है। चलिए तो धन्यवाद मैं करता हूँ आप सभी का, और विशेष रूप से प्रोफेसर अशोक शर्मा जी का, जो कि अध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ से। उनके कन्वीनरशिप में आज का ये वेबिनार आयोजित किया गया है, और उनके कई साथी हमारे साथ आज जुड़े इस सारे विषय के ऊपर उन्होंने चर्चा की। और उसके साथ हमारे साथ जितने प्रतिभागी लोग जुड़े हैं, जिसमें विशेष रूप से प्रदीप जी, मैडम इंदु जी, सुभाष जी और बाकी सब साथी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने जो इनपुट्स दिए हैं उसने इस सारे वेबिनार को, इस परिचर्चा को बड़ा सार्थक और उपयोगी बनाया है। और मैं ऐसी अपेक्षा के साथ आज की बात को यहाँ पूर्ण विराम देना चाहूँगा कि अशोक जी और साथ में हमारे जितने अन्य साथी जुड़े हुए हैं, यदि संभव हो तो संस्कृत के इस पक्ष को अपने सिलेबस में जरूर एडप्ट करवाएं। इन टर्मिनोलॉजीज को, इन टर्म्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को एडप्ट करवाएं, और इनका प्रैक्टिकल जो है वो, जैसा कि मैंने बताया आपके साथ शेयर किया था कि इस तरह से इनका प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ संभव हो तो जरूर उसको आप प्रयास करें, और अपने साथियों के साथ भी संभव हो तो इसकी चर्चा करें, ताकि ये विषय फैले और हम अपने संदर्भों में सोचना शुरू करें, अपनी धरती पे खड़ा होकर विचार करें। हर बार हमें कोई वेस्ट से ला करके किसी को उसको हमें प्रमाणिक रूप में ही नहीं लेना, अपनी भी भाषा है, अपने भी परंपरा है, तो हम उसके विचार को भी उतना ही महत्व दें जितना हम वेस्ट के वेस्ट को महत्व देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और पावर पॉइंट भी शेयर कर दूंगा, अगर कुछ इस पे आप विस्तार कर सकते हैं, अपने तरीके से इस पे चर्चा कर सकते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब शास्त्रों का चुराया हुआ है इसलिए मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा है, ये सारा शास्त्र का है, परंपरा का है, तो इस पे आप सभी का अधिकार है, जितना मेरा है उतना ही आप लोगों का है और उतना ही भविष्य का है। तो धन्यवाद बहुत बहुत। और त्रिशु जी, अगर संभव हो तो इस सारे विषय को एक बार जरूर आप भी कभी चर्चा मिल लीजिए सारे विषय। सभी को प्रणाम, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। आशुतोष जी धन्यवाद, मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि आपने जो बात रखी है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम को जो है एनईपीके कोडिंग जो है उसको इंक्लूड किया जा रहा है, तो हम अपना जो मीडिया लिटरेसी का सिलेबस बनाएंगे इस पूरे के पूरे आपके कॉन्सेप्ट को, इस सब्जेक्ट को एक कंप्लीट यूनिट के रूप में हम अपने सिलेबस का हिस्सा इसको जरूर बनाएंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने तो मन प्रसन्न कर दिया चलिए मेहनत सफल हो गई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।